माय फेवरेट सॉन्ग। अच्छा? हाँ। मेरा भी बहुत फेवरेट है। सच कहूँ तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से डेटिंग पे जाऊंगा। एक सुनसान रोड और साथ में एक खूबसूरत लड़की मेरी कार में मेरे बगल में बैठी हो। हाँ, ये सब एक सपना सा लग रहा है। You're my bestie. It's not a dream. It's real. अच्छा? And I never imagined कि मेरी जिंदगी में ऐसा भी पल आएगा जब मैं तुम्हारे साथ डेट पर आऊंगी। हाँ, तुम ठीक सोच रही हो। इसी का नाम तो जिंदगी होता है बेबी। तुम सुन रही हो ना? मुझे एक छोटा सा डाउट है। बताओ। वैसे देखा जाए तो हम जिससे प्यार करते हैं उसे डेट पे ले जाने में कम से कम 6-7 महीने लग जाते हैं, लेकिन यार तुम इतनी जल्दी कैसे मान गई? पता नहीं, तुम्हें देखकर लगा कि मुझे डेट पर चलना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छे, काबिले तारीफ है। थैंक यू। इतना खुल के बात करने के लिए तुम्हारा थैंक्स। हे, बाय द वे, तुम गाड़ी इतना स्लो क्यों चला रहे हो? इतने सुनसान रास्ते पर इतना स्लो चलाओगे तो हमारी डेटिंग दिन में नहीं रात में होगी। हेलो, एक स्मूथ राइड चाहिए, और वैसे भी मैं एक बाइक रेसर हूँ। बाइक रेसर? पर कार रेसर तो नहीं हो ना। हेलो, वेट एंड वॉच। स्पीड के बारे में मुझे समझा? घोड़े की रफ्तार से भागूंगा। अब रफ्तार देखने के लिए तैयार हो जाओ और बताओ कि कैसा फील कर रही हो। अब ये रफ्तार कम नहीं होने वाली। कैसा लग रहा है बताओ? ठीक है, पर थोड़ा स्लोली चलाओ। पक्का? हाँ। यशी, ये ब्रेक काम नहीं कर रहा यार। क्या? मुझे लगता है ये ब्रेक फेल हो गया है। इसका मतलब ब्रेक फेल हो गया है? हाँ। क्लच और एक्सीलेटर से कंट्रोल करता है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अशोक, प्लीज कुछ करो। क्या करूँ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अशोक, ओह माय गॉड। क्या करूँ यार? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या होगा? अशोक, ब्रेक फेल हो गया है। गाड़ी कंट्रोल नहीं हो रही है। तुम ठीक तो हो ना? शुक्र है कि गाड़ी रुक गई, नहीं तो आज हम दोनों बेमौत मारे जाते। ओह माय गॉड, ओह शिट, ओह गॉड, व्हाट द हेल यार, बाल बाल बच गए। I'm extremely sorry यार। Thank God, बाल बाल बचे, वरना हमारी डेटिंग डेथ डे बन जाती। भगवान से दुआ करो कि हम बच गए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा यार। अब क्या करने की सोच रहे हो? जरा रुको, मैं आसपास किसी मैकेनिक को ऑनलाइन चेक करता हूँ। वेट, चेक करो। नेटवर्क आ रहा है। शिट, सिग्नल ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे? रुको, कुछ सोचता हूँ। क्या करूँ यार? तुम ट्राई करते रहो प्लीज। क्या करें यार, सुनसान रास्ता है, एक भी आदमी नहीं दिखाई दे रहा है। अरे भैया, एक मिनट रुकिए प्लीज। क्या बात है भाई, इतने भयानक और घने जंगल में रोमांस कर रहे हो? पिछले हफ्ते यहाँ पर एक मर्डर हुआ था, रोमांस करना है तो किसी लॉज में जाकर करो। आप गलत सोच रहे हैं, दरअसल हमारी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है। क्या ब्रेक फेल हो गया है? यहाँ आसपास कोई मैकेनिक होगा क्या? मैकेनिक? एक मिनट जरा रुको। कला बेटा, जरा उतरो नीचे। देखो भाई, तुम अपनी आँख खोल कर जरा चारों तरफ देखो, ये कितना सुनसान और घना जंगल है। यहाँ पर कोई मैकेनिक मिलेगा? ये बोल रहे यहाँ तक ऐसा मुझे तो नहीं लगता है। नहीं नहीं नहीं, मैकेनिक मिलने से तुम्हारा काम हो जाएगा क्या? आप कहना क्या चाहते हैं, मैकेनिक आ जाएगा तो हो जाएगा ना? तुम्हारी परेशानी मैं समझ रहा हूँ। मेरे पहचान का एक मैकेनिक है जो कोई भी ऑडी कार, ओनी कार सब खोलकर फिट कर देता है। ऑडी कार तो ठीक है, लेकिन ये ओनी कार क्या है? वो ऑडी कार को ओनी कार बना देता है और ओनी कार को खोलकर ऑडी कार बना देता है। मेरी पहचान का ऐसा एक मैकेनिक है। ठीक है भैया, प्लीज मैकेनिक को बुलाइए, हमारी गाड़ी ठीक होनी चाहिए। तुम्हें जैसा मैकेनिक चाहिए वो यही है। यही है? यही है। हेलो, आई एम मैकेनिक अयप्पन, ग्लैड टू मीट यू। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। इसका मतलब आप मैकेनिक? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं मैकेनिक नहीं हूँ?
नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, आप कार मैकेनिक नहीं लग रहे हैं, आप तो एक जहाज का मैकेनिक लग रहे हैं। Once more. भाई आप कार मैकेनिक नहीं, एक जहाज का मैकेनिक लग रहे हैं। मैडम आप भी once more. पहले आप हमारी गाड़ी तो रिपेयर कीजिए, उसके बाद मैं आपकी तारीफ करूंगी। तारीफ करोगी ना? अरे, सर ये बोल रही है आप गाड़ी तो स्टार्ट करिए। ओके अभी देखना कार। अरे भाई आप लुंगी क्यों खोल रहे हैं? भाई जेब से पाना निकाल रहा हूँ। अरे बहन देखना अगल बगल में बहुत सांप है, जरा साइड हो जाओ। आइए आइए, आप जरा साइड हटोगे। आज तक कितनी गाड़ियाँ खोलकर मैंने फिट कर दी है। हाँ, ऐसे ऐसे इस गाड़ी में ब्रेक किस तरफ है एक भी नहीं समझ में आता। हेलो याशी सुनाई दे रहा है? हाँ बोलो सुजी। आज सुबह से मैं तुम्हें कॉल भी कॉल किए जा रही हूँ। हाँ जानती हूँ, मैं जंगल में फंस गई हूँ, गाड़ी खराब हो गई है। अच्छा तो ये बात है, तुम अशोक के साथ डेट पर गई हो क्या? व्हाट आर यू सेइंग, हमारी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया है, बाल बाल बचे। किसी को मार तो नहीं लगी ना? वी आर सेफ थैंकफुली। ओके ओके। अरे याशी मैं पूछना भूल गई, ये लड़का अशोक कैसा है? हाँ ही इज अ नाइस गाय, अच्छा लड़का है, मुझे पसंद आया। ए याशी। हाँ डकार इज रेडी कमिंग वन मिनट। अच्छा सुन मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। बाय बाय। एक नया स्प्रिंग लगा देंगे तो ठीक हो जाएगा। स्प्रिंग भाई वैसे गाड़ी ठीक। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, आपने करेक्ट टाइम पे हमारी मदद की है। मेरे भाई बस पैसों के लिए मैंने तुम्हारी मदद नहीं की है भाई, छोटा भाई समझ के तुम्हारी मदद की है। बहुत अच्छी बात है। नहीं भैया बात दरअसल ये है कि इतने बड़े घने जंगल में आपने हमारी मदद की, इसलिए मैं कुछ करना चाहता हूँ। अगर तुम कुछ करना ही चाहते हो तो तुम्हारी गाड़ी में जो चॉकलेट रखी है वो मेरी बच्ची को दे दो। बस इतनी सी बात? वैसे आपको कैसे पता कि गाड़ी के अंदर चॉकलेट रखी है? क्या है ना मेरे भाई, तुम दोनों को देख कर मुझे ऐसा लगा कि तुम दोनों डेट पर जा रहे हो, तो डाउट कंफर्म करने के लिए मैंने तुम्हारी कार का डेस्क बोर्ड खोल कर देखा, आपका वहाँ वो आइटम मुझे दिखाई दिया, साथ में चॉकलेट भी दिखाई दिया। भैया आप काफी समझदार हैं और चालाक भी हैं। अच्छा बच्चे को चॉकलेट देना है, चॉकलेट के साथ वो भी दो दे दो। नहीं, 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 वैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, वैसे मैं 7 बच्चों का बाप हूँ। बहुत अच्छा काम किया है आपने। अरे मैं गाड़ी की बात कर रहा हूँ। ठीक है जरा समझ। बेटा अंकल आ जाओ, कम ये आपके लिए। थैंक यू अंकल, आप बहुत अच्छे हो। और मैं और आप भी बहुत खूबसूरत हो आंटी। आंटी नहीं बोलने का बेटा। चलते हम लोग। बाय बाय बाय। चले हम लोग फिर, कम। अरे बाप रे, फाइनली। हम पहुंच गए, ये है मेरा गेस्ट हाउस। वॉचमैन हे यशी, हमारी आज की डेट यादगार होनी चाहिए। सिर्फ ये डेट ही नहीं, आने वाली सारी डेट्स अच्छी होनी चाहिए। हाँ। सच में? हाँ, ये हुई ना बात। वॉचमैन आ गया। खुल जा सिम सिम। लो हम पहुंच गए। नमस्ते साहब। वाओ ठंडी ठंडी हवा। हाँ बिल्कुल। ये जगह तुम्हें कैसी लगी? हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं। वॉचमैन ये सामान अंदर पहुंचा दीजिए। जी हाँ जी हाँ। और गाड़ी भी पार्क कर दीजिए। ओके सर, पार्क करता हूँ। चलो चलते हैं। वाह फोटो में जैसा देखा था उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा है ये। अंदर तो चलो, गेस्ट हाउस छोड़कर जाने का मन ही नहीं करेगा। अच्छा कितना खूबसूरत है, सूजी ने इस गेस्ट हाउस के बारे में बहुत कुछ बताया है। बहुत अच्छी जगह है, वेरी नाइस। मुझे तो मजा आ रहा है। वाओ समुंदर का नजारा देखो, बहुत अच्छा है। Wonderful. This is fabulous. बहुत प्यारा है। उधर चलते हैं। चल, हाँ। आजा। इतनी शांति है यार। हाँ। सच में मजा आ गया। Amazing construction, हाँ? यहाँ। पसंद आया तुम्हें? Yes, of course. हाँ। Refreshing. Lovely. Wow. Lovely, fantastic. Yeah. Wow. Swimming pool देखते ही ना? अंदर ही अंदर कुछ होने लगा है। हाँ, वो तो होगा ही। Hey, by the way, इस guest house के बारे में
तुम्हारी फ्रेंड सुजी ने बताया ना, कुछ और नहीं बताया क्या? और क्या बताना चाहिए? मेरा मतलब ये है कि तुम कमरे के अंदर एक ही बिस्तर पे इंटीमेट होना वगैरह वगैरह। कम ऑन यार, आई एम सीरियस यार। हाँ, इट्स ओके, चलो अंदर चल के देखते हैं। सर सामान रख दिया है। बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। और भी कुछ चाहिए? अभी तो कुछ नहीं चाहिए। ड्रिंक सर? मैंने पीना काफी दिन पहले ही छोड़ दिया। मैडम को कुछ चाहिए तो पूछ लीजिए। बाय द वे, आप ये पैसे रख लीजिए। हाँ। और आज आपकी छुट्टी है सर, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। थैंक यू सो मच। ओनर को पता चलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी सर। उसको पता चलेगा तब ना। आप फिक्र मत करिए, मैं सब कुछ देख लूंगा। सर इस गेस्ट हाउस में बहुत सारे लोग आते हैं, टिप भी देते हैं, मगर छुट्टी नहीं देते। मैडम बहुत ही किस्मत वाली है। मैडम सर आपको बहुत खुश रखेंगे। Yes, I know. I'm very lucky. जी सर, निकलता हूँ। Okay. Come. Welcome, my princess. Yes. Wow. Hey, Ashok. क्या? ये क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता है मैं क्या कर रहा हूँ? ये सब रात में? हाँ? रात में? तब तक मुझसे बर्दाश्त कहाँ होगा? पहले एक दूसरे से प्यार भरी बातें करनी चाहिए। बाकी सब बातें बाद में। hey, उसके बारे में हमने कल बात की थी ना? चलो शुरू करते हैं। वो तो फोन पर बात की थी, यहाँ बैठ कर बात करना चाहती हूँ। हेलो, इसके लिए मुझे इतना गिड़गिड़ाना पड़ेगा? hey, hey, याशी, hey, listen to me, जरा सुनो तो, प्लीज चले। अशोक, फोन पर बात करना और सामने बैठ कर बात करना बहुत अलग है। वो सब ठीक है, बट याशी। क्या? hey, याशी, आज हम एंजॉय करते हैं, उसके बाद कल आराम से बैठकर के जितनी बातें करनी होगी तुम आराम से करना, क्या दिक्कत है? ऐसे हालात में हम बात थोड़ी कर पाएंगे, ऐसा लगेगा किसी पेशेंट का ऑपरेशन हो रहा है। hey, तुम्हें मुझ पे तरस नहीं आ रहा है क्या याशी? hey, at least, एक किस तो दे ही सकती हो ना, प्लीज याशी, एक किस प्लीज। ठीक है। hey, baby, तुम्हें क्या लगता है मैं बच्चा हूँ? गाल पे किस करूंगा? अशोक, तुम्हें किस करना है या नहीं? हाँ, ऑफ कोर्स करना है मुझे। ओके, चलो फिर स्टार्ट करता हूँ। मेन कोर्स बाद में कर लूंगा। गॉड डैमिट, हाँ आ रहा हूँ, देख के आता हूँ। Hey, watchman, अभी तक आप गए नहीं? साइकिल की चाबी भूल गया हो सर, जरा ले लो। ठीक है, ले लीजिए। सर चाबी नजर नहीं आ रही है, आपने देखी क्या? चाबी आपकी है, मुझे कैसे पता होगी? ढूंढिए, कहीं होगी, कहीं रखी होगी आपने। कहाँ रखी है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? सर याद आ गया। मिल गई? मिल गई सर। मिल गई ना? हाँ हाँ मिल गई सर। हाँ थैंक यू, थैंक यू। सर आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? हाँ किया तो है, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए जाइए, अब तो कर ही दिया है। ठीक है सर, बाय बाय बाय। हाँ टेक केयर, संभल के जाइएगा। कबाब में हड्डी बन गया था, रोमांस के बीच में आ गया, सिर दर्द करा दिया। सिर दर्द कर रहा है? हाँ लाइटली। डोंट वरी, मैं कॉफी बनाकर ले आती हूँ, फिर देखना तुम्हारे सर का दर्द छो मंतर हो जाएगा। hey, not bad यार, तुम कॉफी बनाओगी? सिर्फ कॉफी बनानी ही आती है, और कुछ बनाना नहीं आता। अच्छा, क्या मतलब है तुम्हारा? What do you mean? आ जाओ बताती हूँ। हाँ? अभी कह रही थी कुछ बनाना नहीं आता, अब कह रही है कॉफी बनाऊंगी। okay, Let's see what happened in the kitchen. अशोक, मैंने पहले ही कहा था ना, रात में करेंगे ये सब। अच्छा, तुम तो कह रही थी तुम्हें कुछ आता नहीं, और क्या क्या आता है तुम्हें? बोलने पर गलत तो नहीं समझोगे ना? अरे बताओ ना। तुमने डेटिंग पर बुलाया, मैं आ गई, लेकिन उस बारे में कुछ नहीं जानती मैं। hey. क्या बोल रही हो तुम ये? हाँ, उस सब्जेक्ट में एग्जाम हुआ ना,
तो मैं बुरी तरह फेल हो जाऊंगी। यशी बेकार में झूठ मत बोलो, तुमने अभी अभी रिसेंटली अपना कॉलेज कंप्लीट किया है, तुम्हारे जैसी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा क्या? पागल समझा मुझे, बॉयफ्रेंड तो होगा ही। हमारे घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं, हमें लड़कों से बात तक नहीं करने देते। मैं हमेशा सूजी के साथ ही घूमती थी, मैं और वो बहुत क्लोज हैं। ओ, तो ये बात है, तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट है? ए, I'll kill you. Please kill me, excuse me, whatever do you want. चाहो तो एक किस भी कर सकती हो तुम। Hey, हर टाइम इसी मूड में रहोगे क्या तुम? What do you mean, baby? स्वीटर, हम लोग डेट पे हैं। डेटिंग भी अगर एक किस नहीं किया तो फिर डेटिंग कैसी? ठीक है, तुम जो बोल रहे हो वो बात भी सही है। Of course. ठीक है। Yep. सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। You are so beautiful. अगर इजाजत हो तो इन होठों को चूम लो। You want kiss or not? I want. I want. ठीक है। चलो पहले हम अपनी किस कंप्लीट करते हैं, आ जाओ। ठीक है, जाओ। इस वॉचमैन को कोई काम धंधा नहीं है क्या? पैसे दे दिए कि फैमिली के साथ जाकर के अपना टाइम स्पेंड करें। उस समय चाबी बोला था, अभी पता नहीं क्या बोला। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ये क्या? वॉचमैन नहीं है क्या? नहीं, वो छुट्टी पे है। अच्छा, ऐसा है क्या? आप लोग वॉचमैन नहीं है? हेलो, हम लोग गेस्ट हैं। अरे गलत मत समझो, अनजाने में पूछ लिया। okay. वॉचमैन ने केले का फल मंगवाया था, ये लीजिए। दीदी वो कल आ जाएंगे, आप कल आ जाइएगा ना प्लीज। भाई मेरा घर बहुत दूर है, फ्रिज में रख दो ना, वॉचमैन से बोल दूंगी। ठीक है दीजिए, मैं दे दूंगा, आप जाइए। भाई आप लोग भी दो फल ले लो, किडनी के लिए अच्छा होता है। दीदी अभी ऐसा कुछ खाने का मूड नहीं है बिल्कुल भी, मेहरबानी करके आप जाइए। अच्छा ये नहीं लिया तो भी चलेगा, पालक की सब्जी भी है, आँखों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, चाहे तो बच्ची से पूछ लो। हाँ अशोक, सच में ये आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, मेरी माँ भी कहती है, चाहो तो दो पीस ले लो, क्या बोलते हो तुम? तुम भी ना यशी। दीदी मुझे मेरी आंखों से बहुत अच्छे से दिखाई देता है, आप जाइए ना प्लीज। अरे मैं भी ना पागल हूँ, छुट्टी में एंजॉय करने के लिए आए हो, चाहे तो सींग ले लो, सेहत के लिए अच्छा होता है। अरे मेरी माँ, हे भगवान, आप अभी जाइए ना। ठीक है, ये बस वॉचमैन को दे देना, ठीक है? मैं उसे पका के दे दूंगा, आप जाइए अभी, जाइए। कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, पहले पूछते हैं। अभी ये मैंने तो पहले ही कहा था रात में करेंगे वो सब, पर तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। अच्छा वो सब छोड़ो, सर में दर्द है ना, मैं कॉफी बना कर ले आती हूँ, ठीक है? वेट करो। थैंक यू। इट्स क्वाइट अ लवली साइट है ना? या, ब्यूटीफुल। सच में। वैसे तुमसे ब्यूटीफुल नहीं है। ठीक है, वो सब अभी छोड़ो, पहले कॉफी पी लो। Hey, तुम्हें कॉफी बनाना तो आता है लेकिन शुगर डालना नहीं आता है। ये क्या, डाली तो है, दिखाओ मुझे। लो। ठीक तो है। है क्या? और नहीं तो क्या? हाँ यार, ये कैसे हुआ? ये पुराना स्टाइल है, कुछ नया ट्राई करो। कुछ नया क्या? एक्चुअली मैंने कुछ नया प्लान किया है, बस तुम्हारी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिल जाए उसके बाद तो सब कुछ नया ही होगा। नहीं नहीं please. नहीं, I'll kill you. Kiss me ना baby. नहीं please baby, बस नहीं, इसकी ही तो बात कर रहा हूँ, please baby kiss me ना। नहीं, अरे क्यों नहीं, रहने दो ना, हम डेट पे आए हैं baby, एक किस तो होनी ही चाहिए ना। नहीं please. सुनो ना याशी, यार
हमेशा यही हो रहा है। जाओ। जा रहा हूँ ना। चलो तुम भी चलो। आ रहा हूँ। कौन है? अरे मैंने पहले ही बोला था ना। अरे यार मुझे कैसे पता होगा? आ रहा हूँ ना यार, इतनी बेल क्यों बजा रहे हो? हद है यार। क्या ये? इस तरह से कोई बेल बजाता है क्या? अरे तुम्हें क्या लगता है कि मैं चंदा मांगने आया हूँ जो बेल बजाऊंगा? सर ईबी से आया हूँ, रीडिंग निकालनी है। आपकी बात मानता हूँ, लेकिन कमरे से यहाँ तक आने में टाइम लगता है, बार बार आप बेल बजाए जा रहे हैं। आप रूम से आ रहे हैं या बेडरूम से आ रहे हैं, हमें ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, मीटर तो बाहर है ना सर, बाहर से नोट करके चले जाते। चप्पल भी बाहर है, पहन कर चला जाऊं क्या? अरे वाह, क्या जवाब दे रहे हैं। अच्छा, अरे ये जानती है लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं, और समझने वाले भी नहीं है। सर आपसे क्यों बेकार में बातें करना, वॉच कहाँ है? वॉच? अरे वॉचमैन को बुलाइए। वॉचमैन आज छुट्टी पे है। ओ छुट्टी पर है तो किसी से मिलने फौरन गया है क्या? कार्ड अंदर होगा, लेके आइए सर। कौन सा कार्ड? अमेजोन कार्ड। अरे ईबी कार्ड है सर। ईबी कार्ड? सर इस घर में कौन सी चीज कहाँ रखी है मुझे नहीं पता है। करंट कट कर दिया तो ये कहाँ रहेंगी? ये अंधेरे में गायब हो जाएंगी तो चलेगा क्या? वॉचमैन को कॉल करके पूछिए कार्ड कहाँ रखा है सर। हेलो वॉचमैन भाई। हाँ हाँ मैं अशोक बोल रहा हूँ, यहाँ ईबी से कोई आया है, ईबी कार्ड मांग रहा है। सेल्फ में है, ठीक है मैं देख रहा हूँ। यहाँ तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ नहीं है यार। भाई साफ साफ बोलना। क्यों जी? कार्ड को ये इतनी देर से ढूंढ रहे हैं, इन्हें आप बीच बंगले पर कैसे लेकर आ गई? कौन जाने क्या होने वाला है। लगता है शादी से पहले ही मंडप सजा के रखा है। अशोक जल्दी आओ ना। कितनी देर से ढूंढ रहा है। याद करना भाई कहाँ रखा है, सुबह से सब परेशान करने वाले यार। हेलो हेलो, तमीज से बात करो, तमीज से सुनो, मैं कोई परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, इज्जत से बात करो। सर आपको नहीं बोल रहा हूँ यार, सोचना कहाँ रखा है। हाँ हाँ मिल गया मिल गया, पहले ही बताना चाहिए था ना। चल बाय। ये लीजिए सर आपका। अभी कैसे मिल गया? लगता है बहुत नर्वस हैं आप। ऐसे काम करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बाद में बहुत अफसोस करना पड़ेगा। वो सब मैं देख लूंगा, आप लिख कर जाइए सर। अरे अरे बंगला तो बहुत बड़ा है लेकिन बिजली का बिल बहुत कम है, ये कैसे? सर लिख कर दे दीजिए ना प्लीज। लगता है तुम लोग बिजली नहीं जला रहे। थैंक यू सर। अरे दरवाजा बंद करना है, इतना ही ना, इतनी जल्दबाजी है, मैं खुद ही बंद कर देता हूँ। जाइए तो सही। बाहर मीटर और अंदर में मैटर। होने दो होने दो। अरे यार। तो दे यार। अशोक तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, मैंने कहा था ना रात को देख लेंगे वो सब, तुम ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे इससे पहले कभी डेट पर ही नहीं गए। हेलो ये मेरा भी पहली बार है, आई एम वर्जिन बॉय। आर यू वर्जिन? इस बात पे तो कोई भरोसा नहीं करने वाला, तुम्हारा चेहरा देखकर ही पता चलता है। सनी लियोनी की कसम खाओ जरा। वैसे आज से पहले ऐसा मुझसे किसी ने पूछा नहीं। मैं सनी लियोनी की कसम खाता हूँ, मैं वर्जिन नहीं हूँ। ऐसे ओपनली बात करना लड़कियों को पसंद होता है। बाय द वे पहली बार तुम किसके साथ डेट पर गए थे? एक्चुअली वो जब मैं 12 में पढ़ रहा था। ऐसे चप्पलगंजू की तरह बातें क्यों कर रहे हो? जब मैं 12 में पढ़ रहा था तब मैं कविता नाम की लड़की को डेट कर रहा था। वो उम्र में मुझसे थोड़ी बड़ी थी, 1 ईयर। एक बार वो मुझे पढ़ने के लिए अपने घर पे बुलाई। तब तुम्हारे घर पर कोई नहीं होगा ना? हे सीसीटीवी, तुम्हें कैसे पता? मम्मी पापा के होते हुए कौन सी लड़की एक लड़के को इनवाइट करती है? ये भी सही है। आगे बताऊं? ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जोर की बारिश हो रही थी। बहुत अच्छी कविता है, बताओ बताओ। अचानक से बिजली कड़कने की आवाज आई, कविता ने मुझे कस के पकड़ लिया। फिर तुमने क्या किया? कविता ने मुझे पकड़ा था तो मैंने भी उसे पकड़ लिया। हेल्पिंग नेचर है। लाइटली। और तभी कविता ने मेरे कानों में कहा, मम्मी को आने में 2 घंटे लगेंगे। और उसके बाद? उसके बाद लाइट चली गई।
और जब मेरी आँख खुली तो मेरी इज्जत लुट चुकी थी। हाँ जनाब, तो कुछ किया ही नहीं होगा, शरीफ जो हो। बाय द वे, ये सिर्फ कविता है या कविता, उसके बाद गायत्री, गायत्री के बाद प्रिया, प्रिया के बाद रिया। मुझे ये बकवास नहीं सुनना। अरे तुम ही तो पूछ रही थी। हे यशी, यशी सुनो, हे यशी, व्हाट इज दिस यार? तुमने सच पूछा और मैं सच सच बता रहा हूँ, लड़कियों के मूड का कोई भरोसा ही नहीं। ऐसे लड़कों पर भी भरोसा नहीं कर सकते। कूल। अच्छा, मैंने अपने बारे में तो बता दिया जो भी तुमने पूछा, तो अब तुम भी कुछ बताओ। मुझे क्या बताना है? Hey, come on, you know what I mean, huh? वही जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे। Hello, I am pure virgin. तुम्हारे जैसी नहीं हूँ मैं। उस पे कोई मुहर लगी हुई है क्या? ऐसे कैसे कोई भरोसा करेगा? रात में देखकर पता चल जाएगा। नहीं, नाइट तक वेट नहीं कर सकता हूँ, अभी देख लूँ क्या? I'll kill you. अरे, ठीक है, मुझे देख के तुम्हें तरस नहीं आ रहा है? तरस तो आ रही है। एटलीस्ट एक किस तो दे दो। ठीक है, गाल पे, लिप्स पर। इसी का इंतजार था। आ रहा हूं। अब कौन है पता नहीं। आ रहा हूं, कमिंग कमिंग। पता नहीं क्या हो रहा है, हमेशा कोई ना कोई टपक ही जा रहा है यार। हेलो, इधर देखो। कुरियर बॉय हूं। कुरियर बॉय मत बोलो भाई, कुरियर बेबी बोलो। अरे मेरा खुद का एक बेबी है और ये मुझे ही बेबी बोल रहा है। बाहर लेटर बॉक्स है ना भाई, वहीं डाल के चले जाना चाहिए था। सर, गेस्ट हाउस ओनर के लिए चेकबुक आई है, अगर साइन नहीं करवाई तो मुझे काम से बाहर निकाल देंगे। मुझे काम मिलना ही बहुत बड़ी बात है, गेट पर वॉचमैन भी नहीं है, इसलिए मैंने डोरबेल बजाई। जाकर वॉचमैन को बुलाइए। अरे यार, वॉचमैन 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 आज छुट्टी पे है मेरे भाई। छुट्टी पर? ठीक है, आप ही साइन कर दीजिए। ठीक है, दे दूं। लीजिए। क्या फिगर है ये? ले भाई। थैंक यू। ध्यान से वॉचमैन को दे देना। डोर खुला ही रहने दो, फिर से कोई ना कोई आके बेल बजाने ही वाला है, और लगता है तब तक हमारे बीच कुछ भी नहीं होने वाला। सो व्हाट? हे यशी, एटलीस्ट वो किस तो कर लूं, उसे तो पूरा हो जाने दो। अभी मेरा मूड नहीं है, मैं नहाने जा रही हूँ। दैट्स आल्सो नाइस आइडिया। घर में एक्चुअली चार बाथरूम है, कौन से बाथरूम में नहाना है दैट्स योर चॉइस। बाहर स्विमिंग पूल है। कम, लेट्स स्विम। नहीं, मूड नहीं है। सर, आपका मूड बनाने के लिए क्या करना होगा? मैं क्या नया पूछने वाला हूँ, एक हग या फिर एक किस? किस? ओके। सनी लियोन की कसम खाओ पहले। चलो ठीक है, मैं सनी लियोन की कसम खाता हूँ कि अगर मुझे किस नहीं मिली तो मैं स्विमिंग पूल में नहीं आऊंगा। ओके, ऐसा है क्या? या? देखते हो कितनी देर तक कसम निभाते हो। देख लेना, देख लेना। जल्दबाजी में गलत कसम खा ली मैंने। यशी, एक्चुअली मेरे दिमाग में अभी अभी एक आइडिया आया है।
कहो तो मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए स्विमिंग पूल में आ जाऊँ। सनी लियोन की कसम खाई है तुमने, अगर वहाँ उन्हें कुछ हो गया तो उनके फैंस तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। हे इनफैक्ट यू नो, अगर तुम कहो तो मैं कसम तोड़ भी सकता हूँ। तुम बोलो, मैं कसम तोड़ देता हूँ। हाँ चाहो तो डेटिंग कैंसिल कर देते हैं। मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था यार, तुम भी ना नहा लो। नहाओ यार, मेरी किस्मत ही खराब है। हाँ नहाओ नहाओ, आराम से नहाओ। हे यशी, मैं अपना फोन ऊपर भूल गया हूँ, मैं लेके आता हूँ। तुम आराम से नहाओ, मैं आता हूँ बाद में। हाँ ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून डार्लिंग। मजे कर रहे हैं ना? क्रिकेट देखते ही दोस्त को भूल गया? हाँ हाँ, बहुत मजे कर रहा हूँ। ए, जब से आया हूँ तब से कुछ भी नहीं हुआ, तुझे भरोसा नहीं होगा, एक किस तक नहीं हुआ यार। अरे कैसी बात कर रहा है यार, ऐसी लड़की साथ में हो तो दिन में भी नाइट होनी चाहिए। क्या हुआ, गेस्ट हाउस अच्छा नहीं है क्या? ए, ये गेस्ट हाउस तो बहुत अच्छा है लेकिन देखने में ही, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। मेरी किस्मत ही खराब है, जब भी मैं उसे किस करने के लिए जाता हूँ ना कोई दरवाजे पे आ जाता है। जब भी सोचता हूँ उसके साथ मजे करूँ कोई ना कोई डिस्टर्ब कर देता है। तो अभी वो कहाँ है? अशोक! अशोक! हे यशी, हे मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। क्या हुआ बताओ तो सही। कुछ तो है स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल के अंदर कोई है? मेरे पैरों को पकड़कर खींच रहा था। यशी देखो ना, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ हम हैं। नहीं, मैंने महसूस किया। देखो वहाँ कोई है क्या? कोई नहीं है यार, सच में कुछ तो है। ओके ओके, ठीक है, शांत हो जाओ, रिलैक्स रिलैक्स। एक काम करो, तुम बाहर आओ, चलो बाहर आ जाओ। अरे यहाँ कोई नहीं है, तुम बाहर तो आओ, एक बार बाहर तो आओ। चलो बाहर आ जाओ, आ जाओ, आराम से आराम से आ जाओ, आराम से रिलैक्स। यशी यहाँ पूरे गेस्ट हाउस में कोई नहीं है, वॉचमैन को हमने ही छुट्टी दी है। हा? यहाँ हम दोनों के अलावा तीसरा कोई भी नहीं है। Hey, you try to prank me, right? हा? हा? तुम्हें मैं पागल लगती हूँ क्या? अभी मेरी जान चली जाती और तुम्हें लगता है मैं प्रैंक कर रही थी। यशी देखो यहाँ कोई नहीं है। यशी मेरी बात सुनो, यशी सुनो तो सही, यशी। अरे यार सुनो तो सही एक बार, यशी देखो ना यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ हम दोनों है। यशी मेरी बात सुनो, यशी। अरे नाराज क्यों हो यार, बात सुनो। यशी ऐसे गुस्सा मत हो यार, प्लीज मेरी तरफ देखो, प्लीज। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मुझ पर भरोसा नहीं है ना? You think I'm lying? अरे यार मैंने ऐसा कब कहा? हाँ लेकिन तुम leave it. Hey, यशी क्यों ऐसे कर रही हो? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि तुम स्विमिंग पूल में मत जाओ, हम बाथरूम में नहा लेंगे। अगर तुम मेरे साथ बाथरूम में नहाती ना तो वहाँ थोड़ा बहुत रोमांस भी हो जाता, और वो रोमांस तुम हमेशा याद रखती। मैं तो रोमांस सीन क्रिएट करना चाह रहा था लेकिन तुमने हॉरर सीन क्रिएट कर दिया। Give me a chance. तुम्हारे इस हॉरर सीन को रोमांस सीन में बदल दूंगा। I love you, darling. I love you. अरे यार। हर बार डोरबेल बजता था, अब फोन भी बजने लगा। ये बात में उठाऊंगा, इसे मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ। बेबी सुनो ना, एक किस, प्लीज प्लीज, बस एक किस। नहीं हूँ, प्लीज कैरी ऑन। यशी सुनो ना, मेरी बात सुनो यार। यार ये फोन भी ना, यशी मेरी बात सुनो यार, अच्छा खासा मूड मत खराब करो। यशी प्लीज यार मेरी बात मानो, यशी यार प्लीज मान जाओ। अब एक कमीने, यहाँ के लोग कम थे जो तू भी डिस्टर्ब करने लग गया है। जैसे ही मैं उसके करीब आया तेरा फोन बीच में आ गया, पूरा मूड खराब कर दिया। बोलना। अरे क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई क्या? अरे कुछ नहीं यार, वो यशी है ना, वो स्विमिंग पूल में नहा रही थी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो कह रही थी कि स्विमिंग पूल में कोई उसका पैर खींच रहा है। आसपास देखा तो कोई भी नहीं था यार। अरे क्या बोल रहा है तू, सुबह से कुछ ना कुछ हो रहा है, जरा ध्यान रखना उसका। हाँ यार,
अभी अभी शांत किया और उसे अंदर भेजा है मैंने। अंदर कहाँ? बाथरूम में नहा रही है यार। चिल्ला क्यों रही हो? क्या हुआ? क्या हुआ यशी? अशोक, हाँ? यहाँ कोई तो मेरा गला दबा रहा था। क्या बोल रही हो यार यशी? यशी, इस गेस्ट हाउस में कोई तो है अशोक? अरे ये बाथरूम है, यहाँ कोई नहीं आ सकता है यशी। नहीं अशोक, जब मैं नहा रही थी तब मुझे कोई दिखाई दिया, पता नहीं वो कौन था, पर मेरा हाथ पकड़ के मेरा गला दबा रहा था वो, मुझे मारने के लिए। कौन था? मुझे बहुत डर लग रहा है, इस गेस्ट हाउस में कुछ तो गड़बड़ है अशोक। यशी, रिलैक्स, शांत हो जाओ प्लीज। देखो देखो, यहाँ आसपास मेरे और तुम्हारे अलावा पूरे गेस्ट हाउस में कोई नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्या कहा, स्विमिंग पूल में कोई तुम्हारा पैर खींच रहा था, और यहाँ नहाते वक्त कोई तुम्हारा गला दबा रहा है। आई डोंट अंडरस्टैंड यार। ओके चिल, ओके, वो तुम्हारी फ्रेंड है ना जिसने तुम्हें यहाँ के बारे में बताया, उसने भी तो यहाँ विजिट किया है ना, अगर यहाँ कुछ गड़बड़ है तो वो तुम्हें इसके बारे में जरूर बताएगी। हाँ सही कहा, तो उसे कॉल करो ना, कॉल करके एक बार उससे पूछ लो। Wait, मैं कॉल करता हूँ। रिलैक्स डार्लिंग। क्या हुआ? स्विच ऑफ। इट्स ओके चिल, अगर तुम्हें यहाँ पे डर लग रहा है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं नहाता हूँ तुम्हारे साथ, चलो मैं तुम्हें कंपनी देता हूँ, साथ में नहाते हैं, मजा आएगा। अरे मैं देख लूंगी, चिंता मत करो, तुम जाओ यहाँ से। हाँ तो ठीक है, जल्दी नहा करके आओ, मैं बाहर इंतजार करता हूँ। याशी, यू आर सो हॉट, इसीलिए तो लड़के तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं।
बेटा जरा नीचे उतरो उतरो। सर सर मैडम मैडम अब क्या करूं मैं। हाँ लड़की के साथ पत्थर का खेल खेल सकते हैं लेकिन मूंगफली का खेल नहीं खेल सकते। कैसे हैं ये लोग, जहाँ कोई नहीं आता वहां आकर गाड़ी में सोए हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भाई साहब जहाँ जंगल में कोई नहीं आता वहाँ आप लोग गाड़ी में सो रहे हो। बड़े आदमी हो आप लोग, मैडम भी बहुत टायर्ड लग रही है। भैया अचानक मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। क्या बोला, ब्रेक फेल हो गया? अरे बाप रे, मैं तो कुछ गलत ही सोच बैठा था। सॉरी भाई। हाँ ठीक है भैया। यशी 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 भैया आप थोड़ा दूर रहिए ना प्लीज। यशी यशी अशोक यू ऑल राइट? अशोक मैंने दो हाथ देखे थे, मेरा गला दबा रहा था। यहाँ देखो निशान है क्या, देखो। क्या अशोक, हम यहाँ कैसे आ गए? हम दोनों तो गेस्ट हाउस में थे ना। यशी क्या बोल रही हो तुम, हम कब गेस्ट हाउस गए? कार की ब्रेक फेल हो गई इसलिए एक्सीडेंट हो गया और हम लोग यहाँ पर बेहोश पड़े थे। यशी अरे एक्सीडेंट नहीं हुआ था, जस्ट मिस्ड, हम बच गए थे। उसके बाद हम गेस्ट हाउस गए थे, बहुत खुश थे। स्विमिंग पूल में कोई मेरे पैर खींच रहा था। अशोक तुम सब कुछ भूल गए क्या? और ऊपर से अशोक वो जो यशी, आर यू ऑल राइट? रिलैक्स प्लीज यार, चिल हो जाओ प्लीज। अगर हम गेस्ट हाउस गए होते तो यहाँ थोड़ी ना पड़े होते। क्या बात कर रही हो यार? बिलीव मी अशोक, मुझ पर भरोसा करो। मुझे तुम पे भरोसा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सर आप अकेले ही बात करते रहोगे, मैडम से मेरा भी इंट्रोडक्शन करवाइए। आई एम मैकेनिक मैयप्पन। मैकेनिक सर, आप वही हो ना? मुझे यशी तुम क्या बोल रही हो? मैडम आप मुझे जानती हो क्या? सर आप बहुत फेमस मैकेनिक हैं। मैयप्पन मैकेनिक को कौन नहीं जानता, आपने ही तो इस गाड़ी को ठीक किया था ना। मैं फेमस हूँ ये बात तो सही है, लेकिन मेरा नाम मैकेनिक मैयप्पन नहीं पोयप्पन है। क्या कहा, पोयप्पन? अरे वो सब छोड़िए, मैंने कब आपकी गाड़ी ठीक की थी? सर आपने ही कहा था कि ऑडी कार से लेकर बीएमडब्ल्यू तक ठीक करते हैं आप। अरे वो ऑडी कार तो ठीक है लेकिन बीएमडब्ल्यू, देखिए वैसे तो मैं मैकेनिक हूँ लेकिन छोटी मोटी गाड़ियों का मैकेनिक हूँ, बड़ी गाड़ी का नहीं। भाई लगता है एक्सीडेंट की वजह से लड़की का दिमाग थोड़ा घूम गया है। तुम्हारे पास बाम है क्या? भैया आप चुप हो जाइए ना प्लीज। अशोक ये क्या बोल रहे हैं? यशी प्लीज स्टॉप इट यार, हम गेस्ट हाउस नहीं गए, हमारा एक्सीडेंट हो गया इसलिए हम यहाँ बीच जंगल में पड़े हुए हैं, प्लीज अंडरस्टैंड यार। सर आप मैकेनिक है ना, हमारी मदद करिए ना प्लीज सर, गाड़ी ठीक कर दीजिए प्लीज सर, ठीक कर दीजिए। भाई मुझे तो लगा एक्सीडेंट की वजह से इनका दिमाग खराब हो गया लेकिन तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है। मैं मोटर मैकेनिक हूँ भाई। सर आप कितने बड़े मैकेनिक हैं सर, ये तो एक छोटी सी गाड़ी है, इसे आप ठीक कर सकते हैं, ठीक कर दीजिए ना सर। भाई जरा लॉजिक से बात करो। लॉजिक छोड़िए सर, आपके हाथ में मैजिक है, मैं सच कह रहा हूँ सर, आप कर सकते हैं, करिए ना सर। ठीक है करता हूँ, थैंक यू, अभी गाड़ी ठीक करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू सर, प्लीज। हाँ कहाँ से आ जाते हैं अपनी जान खोने के लिए। हाँ करिए सर। हाँ करता हूँ। हेलो। हाय कब से कॉल कर रही हूँ। हे मेरा कार एक्सीडेंट हो गया है, बुरी तरह फंस गई हूँ और तुम हो कि? कार एक्सीडेंट कैसे हुआ? मॉर्निंग में बताया था ना मैंने, तुम फिर से क्यों पूछ रही हो? अरे पागल हो क्या, मैं खुद सुबह से तुम्हें फोन कर रही हूँ। तो फिर मॉर्निंग में जो कॉल किया था और गेस्ट हाउस में जो मैंने कब तुम्हें कॉल किया था? सुजी क्या बोल रही हो तुम, बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ मैं। भाई गाड़ी ठीक हो गई। मैंने बोला था ना आपके हाथ में मैजिक है सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यशी कार इज रेडी। हाँ एक मिनट सुनो, मैं बाद में कॉल करती हूँ तुम्हें। थैंक यू सो मच। बाय बाय बाय। नहीं नहीं ऐसे बड़ी चीज नहीं है, दिल बड़ा होना चाहिए। अगर आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो एक काम करो, मेरी बच्ची को चॉकलेट दे दो। चॉकलेट? एक मिनट। ए बेटा इधर आ जाओ। अंकल थैंक यू, अंकल आप बहुत अच्छे हो। बहुत प्यारी हो बेटा। थैंक यू अंकल आप बहुत अच्छे हो। गॉड ब्लेस यू माय चाइल्ड। चलते हैं भाई। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। चलो बेटा आराम से जाओ। यशी चलो चलते हैं। बेटा टाटा बाय। आप बहुत अच्छी दिख रही हो आंटी। शैल वी स्टार्ट करते हैं। फाइनली सुपर। ये सब आखिर क्या हो रहा है? क्यों
चला जाए अब। अशोक भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा। वही रोड। वाह, पहुंच गए। आ गया हमारा गेस्ट हाउस। वही गेट। वही वॉचमैन। नमस्ते साहब। हम लोग पहुंच गए। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सोचा था आप सुबह ही आएंगे। नहीं, आते समय छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। अरे बाप रे, आप लोग ठीक तो हो ना? हाँ ठीक है। ए यशी, कम ऑन लेट्स गो यार। भैया इसे पार्क कर दीजिएगा। जी जी। कम स्वीट हार्ट। चलो चलो, कम कम कम। अशोक, मॉर्निंग में भी इसी वॉचमैन को देखा था। हे कम ऑन यशी, हम अभी अभी यहाँ आ रहे हैं, तुमने कब देख लिया इसे? चल यार। बाय द वे, जैसा हमने फोटो में देखा था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है ये। अरे तुम इतनी शांत क्यों हो? एक्सीडेंट को भूल जाओ ना यार, ये सब होता रहता है। वाओ, लुक एट दैट। कम इन कम इन कम इन। फैंटास्टिक। हे वो देखो, स्विमिंग पूल है यार वहां पे। कम ऑन, ओपन अप यशी। आसपास देखो कितना खूबसूरत नजारा है। लुक एट दिस, कमाल का है नहीं? Hey, by the way, तुम्हें स्विमिंग आती है? अगर नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कंपनी दूंगा, मैं तुम्हें कभी कुछ होने ही नहीं दूंगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ बेबी। लवली। हे चलो अंदर चलते हैं, देखते हैं ये गेस्ट हाउस अंदर से कैसा दिखता है। कम यशी। सर आपने जो कहा था सारी चीजें रखी है। Sure. और कुछ चाहिए आपको? और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये लीजिए, आज आपकी छुट्टी है, जाके अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। ओनर को पता चलेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ओनर? पता चलेगा तब ना, मैं देख लूंगा। ठीक है सर, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं और गिफ्ट भी देते हैं, लेकिन छुट्टी कोई नहीं देता सर। छुट्टी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम। वेलकम, बाय, सी यू। अंदर चलिए प्रिंसेस। अब हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। अशोक, ये क्या कर रहे हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? लीव मी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। हे यशी, कम ऑन यार। हे यशी, यशी, हे लुक एट मी यार, क्या कर रही हो तुम? टेंशन को दिमाग से निकाल के कूड़ेदान में डालो यार, हम यहाँ डेट के लिए आए हैं बेबी, प्लीज इसे खराब मत करो प्लीज। अशोक, अंदर आते ही ऐसे कोई पकड़ लेता है क्या? हमें बैठकर बातें करनी चाहिए। बातें? इतनी देर से तो हम बातें ही कर रहे हैं ना यशी, बात करते करते बैटरी डाउन हो गई है, थोड़ा रिचार्ज भी कर दो ना बेबी। अशोक, इससे पहले भी मैं यहाँ आई हूँ, ऑलरेडी इन चीजों को देख चुकी हूँ, इंक्लूडिंग दिस। यशी तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, यहाँ हम कब आए हैं? अभी तो हम यहाँ आए हैं, कैसी बात कर रही हो यार? यशी तुम मुझे क्यों नहीं समझ रही हो? अशोक, मैं समझ रही हूँ, बट ठीक है चलो, किस चाहिए ना कर लो। इस समय कौन आ गया यार? ओके चल, कमिंग। वॉचमैन, आप अभी तक गए नहीं क्या? साइकिल की चाबी भूल गया हूँ सर, ले लूँ क्या? साइकिल की चाबी भूल गया, ले लूँ? मॉर्निंग। ठीक है ले लीजिए। भाई चाबी, चाबी किचन में है। हाँ सही कहा, कल मैं खाना पकाने आया था ना, तो हो सकता है तभी भूल गया। हे यशी, चाबी किचन में, ये तुम कैसे जानती हो?
क्या हुआ भाई, चाबी किचन में थी? चाबी मिल गई मैडम। हाँ सर, किचन में ही थी। ओके सॉरी सर, आप लोगों को डिस्टर्ब किया। नो प्रॉब्लम, संभल के जाइएगा। हे यश, तुम्हें कैसे पता? अशोक कम से कम अब तो मेरी बात पर भरोसा करो। हाँ। किचन में जो चाबी थी उसके बारे में मैं कैसे जानती हूँ? मॉर्निंग में ऑलरेडी हम इस गेस्ट हाउस में आ चुके हैं। यशी, इसका मतलब ये है तुम ये कहना चाहती हो कि हम यहाँ पहले आ चुके हैं? हाँ? और तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता है कि कब क्या होने वाला है और कब क्या होगा? हाँ? क्या यार, कुछ भी। तुम किसी बात पर भरोसा नहीं कर रहे। मेरा सर दर्द हो रहा है। सर दर्द हो रहा है? मैं तुम्हें एक अच्छी सी कॉफी पिलाता हूँ, तुम्हारा सर दर्द ऐसे गायब हो जाएगा। चलो आ जाओ पिलाता हूँ, आ जाओ। कम 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 कम। हाँ चिल मारो यार, मैं एक शानदार कॉफी बनाता हूँ, आ जाओ तुम भी। गर्मी भी बहुत है यार, माइंड रिलैक्स हो जाएगा, कॉफी पिलाता हूँ। वैसे भी बैठे बैठे बॉडी अकड़ गई है, क्या बोलती हो? निकल क्यों नहीं रहा? यस चलो आ जाओ, कॉफी बनाते, आ जाओ बेबी, आ जाओ। हे मुझे दो अशोक, मैं बना लेती हूँ कॉफी। अरे तुम क्यों बनाओगी, तुम्हारा सर दर्द हो रहा है ना, मैं बनाता हूँ। नो, आई विल मेक इट। यू श्योर? ऑलराइट। हे तुम्हें कॉफी बनाना आता है? आई एम द बेस्ट मेकर। यू आर अ बेस्ट मेकर? यू आर अ बेस्ट मेकिंग कॉफी अलोन और बेस्ट मेकिंग समथिंग एल्स टू यू? हे सेंसर कट, पहले मुझे कॉफी बनाने दो ना। हे यशी, मेरे मूड को समझो ना, कितना रोमांटिक माहौल है। तुम किस देने के लिए रेडी हुई तो वो वॉचमैन बीच में आ गया। प्लीज एक किस दे दो ना यार, प्लीज प्लीज। ठीक है ले लो। अशोक तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना, पर अब करोगे। बाहर सब्जी बेचने वाली औरत आई होगी। अरे चले तो आओ, हम करते हैं। अशोक जाओ, अशोक प्लीज। अरे यश, कौन है यार, मूड खराब कर रहा है। हेलो सर। yes? हेलो मैडम, आप 2 किलो का फल ले लो। हाय सर, वी आर कमिंग फ्रॉम हार्पिक कंपनी। हमने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, 15% ऑफर है, हम 2 मिनट बात करें। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम, वी आर गेस्ट हियर। घर पर और कोई नहीं है क्या? वॉचमैन छुट्टी पे गया है, आप लोग कल आ जाइए ना प्लीज। आप ही आज सुबह वेजिटेबल्स लेकर आई थी ना? क्या वेजिटेबल्स? नहीं यशी, क्या कर रही हो, चुप हो जाना यार। नहीं अशोक, इन्होंने ही सुबह वेजिटेबल्स दिए थे, तुमने खरीदा भी और उसके बाद तुमने फ्रिज में रख दिया। यशी, क्या हेलो मैडम, ये क्या बोल रही है? मैं 10 साल से इस कंपनी में काम कर रही हूँ। इसका मतलब आप सुबह नहीं आई थी? 1 मिनट। हे यशी, यशी क्या कर रही हो यार। आई एम सॉरी मैम, ये थोड़ा आज अलग ही बर्ताव कर रही। कहाँ रख दिया? अशोक वो तो वहाँ नहीं है। वहाँ पे नहीं है, मैं तुमसे पहले कह रहा था, लेकिन तुम्हारी समझ में आता कहाँ है? अरे यार, हम इससे पहले यहाँ नहीं आए हैं यशी, और इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है? सॉरी सर, लगता है हम लोग गलत समय पर आ गए हैं। सुजी चलो यहाँ से। इन सब की क्या जरूरत थी यशी, मैं बोल रहा हूँ ना यार, प्लीज रिलैक्स रहो। जब से आई है बस एक ही बात दोहरा रही है, चलो चलते हैं। अशोक आई एम सॉरी, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। तुम पहले से स्ट्रेस में हो और मैंने तुम्हें और टेंशन में डाल दिया। यू हैव हेडेक आल्सो, ये लो कॉफी पी लो, देखना हेडेक छुमंतर हो जाएगा। आगे से ऐसा नहीं करूंगी, सनी लियोनी की कसम। अब तो तुम ठीक हो ना? कुल Cheers. Cheers. क्या हुआ? लगता है शुगर नहीं है इसमें। ऐसा क्या? मैं लेकर आती हूँ। हाँ? Wait. मैं अपना शुगर खुद ले लूँगा। अशोक। Actually मेरा शुगर यहाँ है। नहीं नहीं। नहीं। क्यों नहीं? अशोक नहीं। मुझे चाहिए। छोड़ो मुझे। मुझे चाहिए। छोड़ो ना। अशोक नहीं। दोनों नहीं। दोनों नहीं। प्लीज प्लीज।
छोड़ो। यशी कम क्लोजर बेबी, यू लुकिंग सो ब्यूटिफुल, आई लव यू। कौन आ गया यार? चलो देखते हैं कौन है। कम अशोक कौन हो सकता है? अरे तुम अपसेट क्यों हो रही हो? इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? हाँ हाँ आ रहा हूँ मैं। यार जैसे ही मूड बनता है ये लोग ऑफ कर देते हैं। ठीक है पहले चल के ये देखते हैं कि आया कौन है। आ जाओ ना बेबी, कम ऑन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बताइए कौन है जनाब आप? बीबी से आया हूँ, रीडिंग निकालनी है। इतनी देर से बेल बजा रहे हैं, ये कोई मैनर है क्या? मैनर्स तो खत्म हो गया है, चिकन लेग है भाई की दुकान में, आप कहे तो लेकर आऊं क्या? सिली फेल। अरे क्या सर आप भी, 10 दिनों से आपके वॉचमैन कब आएंगे ऐसा फोन कर करके टेंशन दे रहे हैं। खास काम छोड़कर यहाँ आया तो मुझे बाहर खड़ा करके इस तरह की टेंशन दे रहे हैं आप। ठीक है बताइए आपको चाहिए क्या? 10,000 रुपए उधार चाहिए, देंगे क्या? नहीं दूंगा। देखिए नहीं देंगे ना सर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, लेकिन पूरी रात पानी टपक टपक के गिरता रहेगा, फिर आप लोग चैन से सो भी नहीं पाएंगे। लेकिन लगता नहीं है कि आप चैन से सोए भी होंगे। अरे क्या देखने आया था, क्या देख रहा हूं? एक मिनट रुकिए, ये बताइए कि आप हैं कौन, प्लीज बताइए ना। मैं प्लम्बर हूं सर। अरे तो ये बात पहले बतानी चाहिए थी, पहले आपको पूछना चाहिए था ना। ओ गॉड, चलो जाओ जाओ यार अपना काम करो, जाओ जल्दी। मेरे काम को करने तक आप अपना काम शुरू मत कर देना, मेरे जाने तक काम रहना। हे यशी, व्हाट्स द मैटर, क्या हुआ तुम्हें? अरे अरे यार एक मिनट। हाँ भाई बोल। मॉर्निंग में ईबी रीडिंग निकालने के लिए आया था और अभी प्लम्बर। अशोक को बताऊंगी तो वो भरोसा नहीं करेगा। मॉर्निंग रीडिंग निकालने के बाद उसने एक नोट दिया था ना, बस वो एविडेंस मिल जाए सब कुछ प्रूफ कर दूंगी मैं। मिल गया। मॉर्निंग में इसने रीडिंग निकाला था और अभी एम्प्टी है। इस घर में क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हुआ, एविडेंस मिला क्या? मिलेगा भी नहीं, जिस काम से आया था वो काम खत्म हो गया है। भाई चाबी किचन में है, आप आज सुबह वेजिटेबल्स बेचने आई थी ना? मैं 10 साल से इस कंपनी में काम कर रही हूँ। जिस काम से आया था वो खत्म हो गया है। What? मैडम लॉन्ड्री के लिए आया हूँ। कुरियर बॉय। सुबह कुरियर बॉय बन के आया था ना, वो मैं ही हूँ। अगर तुम बोलोगी ना तो कोई भी भरोसा नहीं करेगा। लॉन्ड्री सर्विस चाहिए क्या? नहीं 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 चाहिए, नहीं नहीं चाहिए लॉन्ड्री, जाओ। ओह
क्या हुआ? वो रिलैक्स। ठीक है, वो लॉन्ड्री वाला गया ना? लॉन्ड्री बॉय आया था, तुम्हें कैसे पता? यार जब मैं फोन पे बात कर रहा था तो मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। बेबी चिल, रिलैक्स यार। क्या हुआ, तुम पे कोई भूत सवार हो गया क्या? नहीं। ठीक है, तुम शांत हो जाओ। हाँ, नहाने चले? व्हाट से? कहाँ? कहाँ? किचन में चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय किधर? स्विमिंग पूल में चलते हैं ना? स्विमिंग पूल में? बचाओ! क्या हुआ, इतना सोच क्यों रही हो? ओह, यू हैव सम प्लान अंडर द शावर, मी एंड यू, कुची कुची, है ना? नहीं नहीं, स्विमिंग पूल में जाते हैं। पक्का? लेकिन इस बार तुम्हें ही नहाना होगा। क्या इस बार उस बार? हाँ, नहाने चल रहे हैं, साथ में नहाएंगे, क्या दिक्कत है? इसे पहन के नहाओगे क्या? जाओ चेंज करो। माइंड को चेंज करना हो तो कॉस्ट्यूम चेंज करनी पड़ती है। चलो आ जाओ, टेंशन मत लो यार। Hey, यशी, तुम इतनी शांत क्यों? अशोक, मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी, पर तुम गुस्सा मत करना। तुम बोलो ना बेबी। सुबह मैं इसी तरह स्विमिंग पूल में नहा रही थी तब। यशी यशी, फिर से क्यों यार? हे, ड्रीम में मॉर्निंग में स्विमिंग करते वक्त किसी ने अचानक मेरे पैर पकड़ के खींच दिया। वैसा कुछ तुम्हारे साथ हुआ तो भरोसा करोगे ना? वेल, अगर कोई खींचता है तब मैं भरोसा करूंगा, ठीक है ना? यशी, I'm all well. यहाँ ना तो किसी ने मेरे हाथ खींचे और ना ही पैर खींचे। All well. Okay. मेरे साथ तो इतना कुछ हुआ, इसके साथ कुछ क्यों नहीं कर रहा वो? हे यशी, आ जाओ ना यार। अशोक, मेरा कॉल आ रहा है, 2 मिनट्स, अभी आती हूँ। ओके, कैरी ऑन, फिर आके मुझे ज्वाइन करना। हाय सुजी। अरे, तुम्हारा डेटिंग कैसा चल रहा है? अरे तुम भी ना, मेरे साथ इस गेस्ट हाउस में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ये तुम क्या बोल रही हो? अरे सुबह नहाते वक्त स्विमिंग पूल में कोई मेरा पैर पकड़ के खींच रहा था, और अभी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यशी, यशी, जैसे तुमने कहा था, कोई मेरा पैर पकड़ के खींच रहा है। There is something wrong. आओ, आओ अशोक, ऊपर आ जाओ, आओ।
मैंने पहले ही कहा था यहाँ कुछ तो है, पहले तुम ऊपर आओ। आ जाओ। यशु, मैंने तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं किया यार, अरे मेरी जान चली जाती आज, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है यशु। अशोक मैंने पहले ही कहा था ना, इस स्विमिंग पूल के अंदर जरूर कुछ है, तुमने भरोसा ही नहीं किया मुझ पर। What? How was my prank? Look at your face. Are you mad? यहाँ prank चल रहा है क्या? तुम्हें थोड़ी भी common sense नहीं है? Hey, Yashi, just यार, go to hell. मजाक कर रहा था। अरे सुनो ना, come on, baby, please. मैं मजाक कर रहा था। Hey, Yashi. Hey, Yashi. Yashi. ए यशी, यशी सुनो, अरे यार मेरी बात तो सुनो प्लीज यार, सॉरी 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 सॉरी, माफी मांग रहा हूँ ना यार। अशोक तुम्हें ये सब कुछ मजाक लग रहा है क्या? हाँ तुम्हें पता भी है मैं कितना डर गई थी। आई अंडरस्टैंड यार, मानता हूँ मेरी गलती है, अगर पनिशमेंट देना चाहती हो तो एक किस दे सकती हूँ। ऐसा कोई पनिशमेंट होता है? आई विल किल यू। Hey, please, baby, ऐसा मत करो ना, देखो ना कितना अच्छा माहौल है। You? Please, darling, आ जाओ मेरे करीब आ जाओ। Hey, हटो, first go and take a shower. Go take shower? Baby, तुमने देखा नहीं, अभी अभी मैं नहा करके आ रहा हूँ स्विमिंग पूल में। अरे वो क्लोरिंग का पानी है, अंदर जाकर नहा लो। ठीक है, लेकिन एक किस तो दे दो ना यार बेबी, प्लीज। तुम किस मांगोगे, फिर मैं किस दूंगी और फिर कोई आकर डिस्टर्ब करेगा हमें। अब कोई नहीं आएगा ना, प्लीज मेरा विश्वास करो, मैं कह रहा हूँ ना कोई नहीं आएगा, प्लीज एक किस तो दो ना बेबी, प्लीज 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 दो ना बेबी, दे दो ना प्लीज। ऐसे वक्त में कोई प्रैंक करता है क्या? सच में पागल है। आई फील वेरी बैड। शावर लेने के बाद सीधा बेड पे ले जाऊंगा। पानी नहीं आ रहा है। वैसे यहाँ जो भी हो रहा है ना, उसे देखकर हॉरर फिल्म की तरह लग रहा है। लेकिन इस गेस्ट हाउस में जरूर कुछ तो है यार। कुछ भी बोलो, वो भरोसा नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। या आई एम रियली स्केर्ड। हाँ कुछ तो है यहाँ। अशोक क्या हुआ? अशोक ला 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 ला। बच्ची पानी निकालो, पानी निकालो, पानी निकालो। सर, मैडम, दो बेटी।
लड़की को दारू नहीं पीना चाहिए, लेकिन लड़की पे पानी मार सकते हैं। अशोक, 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 यशी, यशी, कुछ तो क्या हुआ? यशी, यशी हम यहाँ कैसे? हम, यशी हम तो गेस्ट हाउस में थे ना, यहाँ कैसे आ गए? कब आए हम लोग यार, यहाँ कैसे हैं? ए, क्या बक रहे हो तुम? हम कब गेस्ट हाउस गए थे? हाँ, तुमने ही कार स्पीड में चलाई और यहाँ एक्सीडेंट हो गया। हे यशी, क्या बोल रही हो तुम? What are you saying, यशी? हम गेस्ट हाउस गए थे और वॉचमैन को पैसे देकर के छुट्टी पे भेज दिए थे। Why don't you remember, यशी? जब भी हम किस करने जाते थे, कोई ना कोई डिस्टर्ब करने आ जाता था। हम लोग बहुत खुश थे यार, मैं सच कह रहा हूँ, मैं सच। Are you mad? कोई सपना देखा क्या? What do you mean? हाँ, okay. मॉर्निंग में ये सारी बातें तुम बोल रही थी, हाँ? हाँ? कि हम गेस्ट हाउस गए थे, स्विमिंग पूल में कोई तुम्हारा पैर खींच रहा था। Now that was the dream. उसके बाद हम लोगों ने बात की, बाद में गेस्ट हाउस जाकर के हमने वॉचमैन को पैसे देके छुट्टी के। All these people, यार तुम सब कुछ भूल गई हो क्या यशी? अशोक, listen to me. हम गेस्ट हाउस नहीं गए, ना मैंने कोई सपना देखा, ना हम वहाँ गए। मजाक चल रहा है क्या? यशी, what nonsense यार। hey, सर आप मैकेनिक है ना, अभी तक आप गए नहीं? है? आप अभी तक क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सर, आप मुझे जानते हैं क्या? अरे, मैकेनिक पोयप्पन के अलावा इस जंगल में कोई हो सकता है क्या? सर, मैकेनिक मैं हूँ, लेकिन मेरा नाम पोयप्पन नहीं है, अयप्पन है। ग्लैड टू मीट यू। तुम अयप्पन हो या पोयप्पन इससे क्या है, लेकिन तुमने ही तो मेरी गाड़ी ठीक की थी ना यार। क्या तुम भी ना सर, मैं तो मैकेनिक हूँ, लेकिन कार का मैकेनिक नहीं हूँ, मैं तो बाइक का मैकेनिक हूँ। ये भी नहीं सुनेगा। ओके, आप मैकेनिक है ना, ये मैं कैसे जानता हूँ? अरे मैं मैकेनिक हूँ, ये बात सब लोग जानते हैं। मैं फेमस मैकेनिक हूँ बाइक का। अरे यार, मतलब मॉर्निंग में आपने हमारी गाड़ी नहीं ठीक की थी ऐसा कह रहे? अरे भाई, आज दोपहर को ही मैं गांव से लौटा हूँ, अगर तुम्हें चाहिए तो टिकट देख लो मेरी। हा? अशोक, तुमने ये सब सपने में देखा था ना, फिर सच में क्यों पूछ रहे हो इनसे? I mean... अरे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? यशी, मैडम लगता है सर को कुछ ना कुछ हो गया है, इनके सर पर बाम लगाओ ठीक हो जाएगा। अजीब आदमी है। यशी, लेट मी एक्सप्लेन। यशी, ट्रस्ट मी, ये सब मेरे साथ हो चुका है। यशी, अशोक, चुप रहोगे क्या? वन मिनट सर, आपको ही कुछ करना पड़ेगा सर, प्लीज सर। बेटी, मैं बाइक का मैकेनिक हूँ, ये कार कैसे ठीक कर पाऊंगा मैं? सर, आप ये कर सकते हैं, मुझे विश्वास है, मदद कीजिए प्लीज। तो तुमको मुझ पर भरोसा है? ठीक है बेटी, तो मैं ट्राई करके देखता हूँ। जरा साइड हटो, दरवाजा खोल ले दो। यशी, प्लीज ट्राई करो। हेलो, सुजी, मुझे भूल गई हो क्या? अरे तुम भी ना यार, कार का एक्सीडेंट हो गया था, सुबह से हम जंगल में ही हैं, अभी तक गेस्ट हाउस भी नहीं पहुंचे हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम ऑलरेडी गेस्ट हाउस चले गए हैं, ऐसा किया वैसा किया, अशोक ये सब बकते जा रहा है। कार रेडी हो गई सर। हे यशी, कार रेडी हो गई। हाँ, वन सेकेंड। ओके, आई विल कॉल यू लेटर, बाय। ओके बाय, थैंक्स बेटा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये क्या है? आपने बोला था ना कि आप पैसों को अहमियत नहीं देते हैं, इसलिए मैंने क्या बोला था? अब इस चॉकलेट का क्या करूंगा मैं, इसको खाने से पेट भरेगा क्या? पैसे से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं होता है, ऐसी बड़ी चीज नहीं है, दिल बड़ा होना चाहिए। अरे पर्स निकालो, पर्स निकालो ना, क्या कर रहे हो तुम? थोड़ा ज्यादा दो ना, काम इतना बड़ा किया मैंने। ये लीजिए, जीते रहो, खुशी खुशी जियो। हाँ। चलता हूँ बेटी, बार बार इधर आते रहना, मुझे बुलाते रहना। चलो बैठो, बैठो ना, चलो। यशी, पहले मैंने उसे देखा है यार। यार यशी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सब कुछ पहले मेरे साथ हो चुका है, मैं सच कह रहा हूँ यार, मेरी बात मानो यशी। गाड़ी स्टार्ट करो, चलो निकलते। No idea what's happening. ये रास्ता तो मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है। क्या हुआ? इसे कैसे समझाऊं कि मैं पहले यहाँ आ चुका हूँ? क्या हुआ, क्या सोच रहे हो तुम? यशी, मुझे लगता है कि हम यहाँ पहले आ चुके हैं। तुम्हारा मतलब यहाँ से गुजर चुके हैं, इसी गेस्ट हाउस में ठहरे थे, यही कहना चाह रहे हो? Exactly, यशी। एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब हो गया है, समझे? रेस्ट करोगे तो सब ठीक हो जाएगा। ओके ओके, वही गेट। और वही वॉचमैन भी। यशी, यशी, नमस्ते साहब। Thank you.
गुड मॉर्निंग मैडम. गुड मॉर्निंग अशोक सर. आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? क्या सर, आपने ही तो गेस्ट हाउस बुक किया है ना, तो आपका नाम तो पता ही होगा. भाई लगेज निकाल कर कार को पार्क कर दीजिए. ओके मैडम. कम कम अशोक, कम ऑन. क्या बात है सर? अशोक कम ऑन. हाँ आ रहा हूँ. यशी ये सब यशी. इस वॉचमैन से हम पहले कहीं नहीं मिले हैं क्या? अशोक ये गेस्ट हाउस फोटो से ज्यादा सामने से अच्छा है ना? मैंने जो बोला वो ये दोहरा रही है. ये कैसे हो रहा है यार, हम यहाँ आ चुके हैं. वाव सुपर. वही बीच व्यू. कम बीच व्यू देखो. वाव बहुत अच्छा है ना? सेम वही घर. वाव क्या बताऊँ इसे कैसे समझाऊँ. कम 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 यशी. नाइस प्लेस. अरे यार इसे कैसे समझाऊँ. देखो वहाँ स्विमिंग पूल है. वाव कितना खूबसूरत है ना. तुम्हें स्विमिंग आती है क्या? नहीं नहीं. ऐसे ही पूछ रही हूँ. मैं हूँ ना यहाँ, डर क्यों रहे हो तुम? चल नहीं. चलो चलो ना. सर आपने जो बोला था सब कुछ रख दिया है. और कुछ चाहिए सर? नहीं रहने दीजिए, थैंक यू. एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. नाइट शिफ्ट वाला वॉचमैन नहीं आ रहा है तो मैं ही संभालूंगा. ठीक है. फोन करने पर भी नहीं उठा रहा है सर. मेरी बेटी को बच्चा पैदा हुआ है. अगर आप परमिशन दोगे तो मैं जल्दी ही जाकर उसे देख कर आ जाऊंगा. जल्दी लौटूंगा. अरे नहीं नहीं नहीं, आप यहीं रुकिए. मुझे बहुत डर लगता है. आप हमें ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते. आप रुकिए प्लीज. अशोक ये क्या बोल रहे हो? इनकी नातिन पैदा हुई है. हर रोज यहाँ गेट पर ही रहने वाले हैं क्या? घर जाने दो ना इन्हें. यशी क्या? अशोक भैया आप जाकर आइए, मैं देख लूंगी. थैंक यू मैडम, चलता हूँ. भैया वन सेकंड अपना पर्स निकालो. अशोक पर्स निकालो ना, निकालो. ये लीजिए भैया, बच्चे के लिए कुछ खरीद लीजिएगा. यशी बहुत बहुत शुक्रिया मैडम. थैंक यू सर. थैंक यू मैडम. आप मेरे पिता समान हैं, संभल कर जाइएगा. आप दोनों खुश रहो. भाई आप अपनी चाबी भूल के जा रहे हैं. कौन सी चाबी सर? अपने साइकिल की चाबी. अंदर अंदर किचन में रखी हुई है. ओ, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया. अशोक चाबी अंदर किचन में है, ये तुम कैसे जानते हो? हाँ अब तो मेरी बात पे भरोसा करो. चाबी यहाँ भूल गया था. हम इस जगह पे पहले आ चुके हैं. ये वॉचमैन है ना, ये वही वॉचमैन है जो. चाबी मिल गई सर. आपने कहा था ना कि किचन में रखी है, मगर हॉल में रखी थी, डाइनिंग टेबल पर. थैंक यू सर. थैंक यू मैडम. क्या हुआ, सोच में पड़ गए क्या? तुम्हारी बनाई कहानी सुनकर शॉक्ड हो गई थी मैं. अच्छा हुआ किचन में नहीं था. यशी तुम भरोसा नहीं कर रही हो? फिर से क्या? अब भरोसा करोगी? कल सुबह हमने एटीएम से पैसे निकाले थे, 50,000 रुपए, याद है ना? हाँ तो उसमें क्या है? राइट. सुबह आते वक्त मैकेनिक को 2,000 रुपए दिए, इस वॉचमैन को अभी 2,000 रुपए. पर्स में कितने पैसे बचे होने चाहिए? 46. गिन के देख लो, 44 है, क्योंकि हम सुबह गेस्ट हाउस में आ चुके हैं और इस वॉचमैन को 2,000 रुपए दे चुके हैं. गिन लो, 44,000 होंगे. वो कैसे? यार मेरी बात नहीं सुनती है. बताओ कितने हैं? 46 ही है इसमें. क्या? अच्छा सुनो, ऐसे डेटिंग के लिए बुला के मुझे डराना बंद करो. I'll kill you. नहीं यशी, मैंने तो अशोक हम दोनों यहाँ पर खुश रहने के लिए आए हैं ना, और ये दिन ऐसा होना चाहिए जो हमें जिंदगी भर याद रहे. सर वैसे क्या फील कर रहे हैं आप? ओके नाउ आई एम क्लियर. ओके भरोसा कर सकती हूँ? अरे क्यों नहीं, सनी ले उनकी कसम खाता हूँ मैं. अब तो खुश हो ना? ठीक है चलो, बाकी बातें अंदर चलकर करेंगे. आओ चलो चलो अंदर चलो ना. हे व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं, अब
वो क्या है कि ये गेस्ट हाउस काफी खूबसूरत है। अच्छा, इसकी फोटो खींचकर फेसबुक पर डाले। अरे सुनो, इतनी खूबसूरत लड़की सामने है और तुम चुपचाप खड़े हो। ओहो, तुम वो हो क्या? Hey, what do you mean? तुम वो हो क्या? This is too much, हाँ यशि? मैं कौन हूँ बताऊँ तुम्हें? मैं बताऊँ कौन हूँ तुम्हें? Hey, यशि! अशोक! Hey, रुक जाओ, आराम से। अशोक, नहीं, नहीं। What do you mean? नहीं। क्या करने वाले हो? पता है क्या करने वाला हूँ? यहाँ गर्मी बहुत हो रही है, इसलिए तुम्हें फ्री कर रहा हूँ। फ्री करने के बाद तुम्हारे पास आऊंगा। बताओ ना क्या करोगे? किस करने जा रहा हूँ? कहाँ? किसकी शुरुआत? गाल से करूंगा। एक्चुअली मैं बड़ी हुई हूँ तब से किसी ने भी मुझे किस नहीं किया। ओके। अगर तुम्हें लग रहा है तो फिर कर लो। किस करो? चलो देखते हैं कौन है। हे यशि, संभाल के। हे। इस गेस्ट हाउस में कब आए थे? मैम, यही कुछ 2 घंटे पहले। हाय सर, वी आर कमिंग फ्रॉम हार्पिक कंपनी। तुम्हारा नाम? मेरा नाम याशिका है और उनका नाम अशोक। सुनिए, आप सेल्स गर्ल्स हैं ना? What are you talking about? अशोक? नहीं यशि, दोपहर में ये लोग कुछ बेचने के लिए आई थी, मुझे अच्छी तरह से इनके चेहरे याद हैं। क्या तुमने ज्यादा पी रखी है? अशोक, मैम, सॉरी मैम, रास्ते में छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, तब से ऐसे ही बातें कर रहे हैं। एक्सीडेंट हुआ था? जरा संभालिए इनको। नहीं यशि। मैम, आप इस वक्त यहाँ आई हैं, एनी प्रॉब्लम? इस एरिया में एक मर्डर हो गया है। पुनी एक साइको है, 2 मर्डर किए हैं, अभी तक वो मिला नहीं। गेस्ट हाउस बुक किया तो पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना चाहिए ना, आप लोगों के लिए तो हम लोग हैं। सॉरी मैम, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। शालिनी, अंदर जाकर चेक करो। यस मैम। सुनो, मेरा नंबर नोट कर लो, कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलना। यस मैम, बोलिए। मैम, पूरा गेस्ट हाउस चेक कर लिया है, कोई भी नहीं है। ओके, प्रॉब्लम हो तो किसी भी टाइम फोन कर लेना। यस मैम। ओके, थैंक यू मैम। श्योर। डोर लॉक कर लेना, बी केयरफुल। ओके, थैंक यू। ओके शालिनी, चलो प्लीज। आई एम टेलिंग यू यशि, ये दोनों पहले यहाँ आ चुकी हैं, मेरी बात मानो। इन दोनों का चेहरा मुझे याद है। अरे यशि, 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 वो इंस्पेक्टर, वो सेल्स गर्ल, वो भाजी बेचने वाली, वो कांस्टेबल सब। यशि, अशोक, फिर से हॉरर स्टोरी शुरू मत करो प्लीज, ऑलरेडी बहुत अपसेट हो चुकी हूँ मैं। I'm sorry, sorry यार। ठीक है, ओके, चल, ठीक है, चलो, चलो, वाओ। ये सब क्या हो रहा है? सब बिल्कुल वैसे ही है। वाओ, बहुत सुंदर है, लवली। ऐसा लग रहा है मनी रत्नम की मूवी देख रही हूँ। अशोक, ये बेडरूम देखकर कैसा लग रहा है तुम्हें? यशि, यशि, यहाँ आने के बाद मेरा दिमाग हिल गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यशि, सुपर ब्रदर। क्या ब्रदर? सपने के बारे में बोल बोल के कब से टाइम वेस्ट किए जा रहे हो? तुम्हें ब्रदर बोलने का मन कर रहा है? यशि प्लीज, ये ब्रदर वदर ये सब मत बोलो ना, अजीब सा लगता है। अरे कब से इसे देखा उसे देखा बोल रहे हो? हाँ, तुमने एक बार भी मेरी आंखों में देखा, मेरे लिप्स? लड़कियों के लिए प्यार फीलिंग्स बहुत जरूरी है, और तुम हो कि टाइम वेस्ट किए जा रहे हो। यशि, तुम्हारे साथ डेटिंग के लिए आने से तो अच्छा मैं घर पर बैठकर टीवी ही देख लेती। यशि, तुम ऐसी बातें कैसे कर सकती हो? पर इससे ज्यादा भी बातें कर सकती हूँ, ट्यूबलाइट भी मुझे देखकर आंख मारता है, और तुम हो कि कुछ कर ही नहीं रहे। अब तुम्हारे भरोसे नहीं रहूंगी मैं, खुद ही कर लूंगी। शिट, अब कौन आ गया? यशि तुम यहीं रुको, मैं देख के आता हूँ।
गुड इवनिंग सर, प्लम्बर हूँ सर। आप तो प्लम्बर है ना? पिज्जा। मैंने तो कोई पिज्जा ऑर्डर नहीं किया। ये क्या सर, आपके ऑर्डर करने पर ही मैं लेकर आया हूँ पिज्जा। अपने आप लेकर आने के लिए पागल थोड़े ही हूँ। मुझे लगता है आप किसी गलत एड्रेस पे चले आए हैं। अरे यही आदमी तो प्लम्बर नंबर 7 बीच का गेस्ट हाउस यही है ना? हाँ। सर मैं सही एड्रेस पर आया हूँ। लगता है आप ही घर बदल कर आए हैं। उसके हस्बैंड के आने से पहले फंस मत जाना, पीछे के डोर से कूद कर निकल जाओ, निकल जाओ। मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मैंने कोई ऑर्डर नहीं किया। हा? मैंने पिज्जा ऑर्डर किया था। सर दे दीजिए। मैं तभी से बोल रहा ना सर। और तुमने मुझे बताया नहीं? हाँ अरे इस टाइम मैं क्या बोल सकती थी, भूख लगी मुझे। आपको पता है एम्पायर ने नो बॉल क्यों दिया? क्योंकि आप बॉल पकड़ना भूल गए थे। अरे कैसे खिलाड़ी हैं आप, ऐसा लग रहा है तुम लोगों का हाल। क्या हुआ, पिज्जा दे दिया ना, आप जाना नहीं है? अगर आप पैसे देंगे तो निकल जाऊंगा। ओह गॉड आई एम सो सॉरी यार। एक छोटा सा कंफ्यूजन था, ये लीजिए। ये क्या, इस एड्रेस पर और कोई लड़की होगी तो लेकर आना है क्या? क्या कहा? अरे ये क्या सर, पैसे के बदले में विजिटिंग कार्ड दे रहे हैं आप, बहुत कंफ्यूजन में हैं। लीजिए पकड़िए। अरे यार मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। अच्छा आप पार्ट टाइम प्लम्बर का काम करते हैं क्या? क्यों, अब तक तो वो काम नहीं देखा है, आगे से देख लूंगा ऐसा लग रहा है। पूरे देश में जो पढ़े लिखे हैं उनको ही काम नहीं मिल रहा है। देखिए पिज्जा बेचने के लिए भी यहाँ MBA की पढ़ाई पूछ रहे हैं। अरे लफड़े से हमें क्या मतलब, जिस काम से आया था वो हो गया। ठीक है चलिए जाता हूँ। ये लो पिज्जा खाओ। नहीं मुझे नहीं खाना है। क्या हुआ है अशोक, सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है? खाने का दिल नहीं कर रहा है। I'm not feeling nice यार, अजीब सा लग रहा है सब कुछ। एक्सीडेंट के बाद से तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो, पता नहीं क्यों। तुम जाओ फ्रेश हो जाओ, you'll feel better. Good. Go. Sounds good. मैं आता हूँ। हॉरर स्टोरी शुरू हो गई। यशी कम हिया, यशी। डेटिंग के लिए लेकर आया है, पर चैन से खाने भी नहीं दे रहा। ए यशी। आ क्यों? यशी कम हिया यार। अरे क्या हुआ है? हाँ? यशी, यशी देखो पूरा ब्लड भरा हुआ है। क्यों? इसे भी पीरियड्स आते हैं? What? I'm not kidding, यशी। I'm not joking. ये देखो। अरे यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। पर तुम एक पंच मारूंगी ना तो ब्लड जरूर आ जाएगा। यशी यशी, यहाँ पूरा ब्लड भरा था यशी। ओह गॉड। अशोक तुम कंफ्यूज हो गए और मुझे भी कंफ्यूज किए जा रहे हो। यशी रुको, मैं जाकर तुम्हारे लिए दूध लाती हूँ। यशी तुम, अरे लास्ट नाइट के लिए। क्या? ओह गॉड, हम डेटिंग के लिए आए हैं ना, वो भी भूल गए क्या तुम? चल मैं लेकर आती हूँ। यशी मेरा विश्वास करो प्लीज। क्या देख रहे हो, मुझे पहचाना नहीं? ठीक से पहचानो, कुरियर बॉय, लॉन्ड्री बॉय और तू जोकर। तू जोकर है। Hey! Hey! I'm not Joker, you Joker! Bloody, you are the Joker, not me! हंस क्यों रहा है? हंस क्यों रहा है? मैं तेरी जान ले लूंगा! मैंने कहा ना मत हंस!
Hey, don't laugh in front of the bee. Hey, hey. मेरे हाथ से खून निकल रहा है, खून निकल रहा है, खून निकल रहा है, खून, खून. Hey, यशी, 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 come here, please, यशी. क्या हुआ? क्या हुआ? ये देखो, ये जोकर, that जोकर यशी. कहाँ? ये वही लॉन्ड्री बॉय, कुरियर बॉय यार. अरे वही, वही, वही छोटा. अरे ये कुरियर बॉय है, मेरे सामने हंस रहा है. बेवकूफ कहीं का. ये कुरियर बॉय है, मैं जानता हूँ इसे. ये मेरे सामने हंस रहा है यशी. लेकिन कहाँ? इसलिए मैंने इस कांच पे हाथ मारा और मेरे हाथ से खून. कहाँ है खून? कुछ नहीं है. ये क्या? अरे ये कैसे हो सकता है? मैंने तुझे तोड़ दिया था. अशोक रिलैक्स, वहाँ कुछ भी नहीं है. क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो? कोई सपना देख रहे हो क्या? हाँ यशी, मेरी बात का विश्वास करो, ये मुझ पे हंस रहा था यशी, सच कह रहा हूँ. ठीक है, वाइप योर फेस, कम ऑन, वाइप योर फेस, कम ऑन, गो यशी. ट्रस्ट मी यार, इस गेस्ट हाउस में जरूर कुछ है. कम, जल्दी चलो, कम आओ. क्या बात है अशोक, सुबह से तुमने ठीक से खाया भी नहीं. हाँ तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो. ये लो दूध पी लो, देखना इसे पीने के बाद अच्छा लगेगा. तुम्हारे लिए इस दूध में स्पेशली बहुत सारी चीजें मिलाई हैं. पियो पियो. तुम नहीं पियोगी क्या? मेरा मूड बिल्कुल ठीक है, देख रही हूँ तुम्हारा मूड नहीं बन रहा. एक ही सांस में पी जाओ. बताओ कैसा लग रहा है अभी? यशी, ये तो सच में कमाल का था. अशोक, come with me, baby. Yes. Yeah, baby. अशोक, you're so hot. क्या कर रहे हो तुम? Yes, come with me, baby. कोई दरवाजे पे है. हे, अभी इस वक्त कौन आया होगा? तुमने मेन डोर लॉक नहीं किया था क्या? मैंने लॉक किया था, पर इस वक्त कौन आया होगा? तो फिर बेडरूम में कैसे आ गया? हे, कौन है वहाँ पे? हे बेबी, रिलैक्स, रिलैक्स. हे, मैं पूछ रहा हूँ ना कौन है? अशोक, हे, मुझे डर लग रहा है. शांत हो जाओ प्लीज. कौन है बाहर? मैं पूछ रहा हूँ ना. अशोक, मैं संभाल लूंगा. कौन है वहां पे? तेरी तो क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? मैं नहीं तो और कौन आएगा? What nonsense, यशी, अभी तुम मेरे साथ वहाँ बेड पर थी, मैं सच कह रहा हूँ. तुम अंदर थी, तुमने मुझे दूध पीने के लिए दिया, हम दोनों बेड पर थे, हम दोनों इंटीमेट होने वाले थे. अशोक, कूल 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 डाउन. ये लो. कैसे हो सकता है? ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ओके, सिट डाउन, बैठो. यशी, मैं सच कह रहा हूँ, हम दोनों यहाँ पे थे. इट्स ओके, बैठ जाओ और पियो. ये लो, पियो. सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया है, कम बैठ जाओ, आओ. तुम्हारे लिए इस दूध में काजू बादाम सब मिला कर लाई हूँ. पी लो, पियो. काम जाओ. Thank you.
क्या हुआ? अजीब सा लग रहा है। बेकार की बातों को लेकर कंफ्यूज और परेशान मत हो, एसी वाले रूम में भी तुम्हें पसीने आ रहे हैं। अशोक, अशोक, हमें ये दिन अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलना है। सिर्फ मेरी बात सुनो, अपनी आंखें बंद करो। घर में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है, और तुम जिसे चाहते हो वो तुम्हारे सामने बैठी है। अशोक, अशोक, ओपन योर आईज, आई वॉन्ट यू, आई लव यू। हाँ भाई, हाँ जल्दी आइए, जल्दी प्लीज। अशोक, अशोक, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। यशी है तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा अशोक, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं मर जाऊंगा यशी, यशी, यशी प्लीज। सांस लो, सांस लो, सांस लो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ओके? सांस लो, सांस लो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अशोक, एम्बुलेंस आ गई। अशोक, वेट करो, मैं अभी आती हूँ। लगता है डॉक्टर आ गए हैं, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। मैं अभी आती हूँ, चिंता मत करना। यशी प्लीज बच जाओ, यशी मुझे अकेला छोड़ के बच जाओ, यशी प्लीज। मैकेनिक? हाँ मैडम, मैकेनिक मैयप्पन, ऑडी कार से लेकर आउनी कार तक सब रिपेयर कर लेता हूँ मैं। आंटी आप बहुत सुंदर लग रही हो। मैडम अभी अभी यहाँ पर एक मर्डर हुआ है, बहुत संभल कर रहना आप। अशोक! यशी, मैं आ रहा हूँ, यशी, मैं आ रहा हूँ, यशी, मैं आ रहा हूँ, कुरियर बॉय सर, गेस्ट हाउस ओनर की चेकबुक आई है, वही लेने आया हूँ सर। मैडम बहुत अच्छा हो गया कि आप लोग आ गई। मैडम, मैडम यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी यशी भी मुझे नहीं उसके लिए तो बोल रही थी, केले का फल ले लो, किडनी के लिए अच्छा होता है। हाय सर, वी आर कमिंग फ्रॉम हार्पिक कंपनी, वी हैव अ न्यू ऑफर, 15% ऑफ ऑन द प्रोडक्ट, डू यू वांट द ऑफर? ये क्या हो रहा है, मेरा सर फटा जा रहा है। बेटा तुम, अंकल आप बहुत अच्छे हो। तुम मैकेनिक की बेटी हो ना?
यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यशि, तुम कहाँ चली गई हो यशि? I don't know, I need you यशि, please मेरे सामने आ जाओ, मेहरबानी करके मेरे साथ। यशि तुम कहाँ चली गई हो, please मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, please मेरे सामने आ जाओ यशि, यशि I need you, please आ जाओ यशि, यशि क्या कर रहे हो मेरे साथ? बोलो ना मेरी यशी कहाँ है? बताओ ना मेरी यशी कहाँ है? कौन हो तुम लोग? कहाँ है मेरी यशी? बताओ कहाँ है मेरी यशी? कहाँ छुपा रखा है मेरी यशी को? बताओ मेरी यशी कहाँ है? नहीं तो तुम लोग को मार डालूंगा मैं। बताओ मेरी यशी कहाँ है? कहाँ है? तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? बताओ मेरी यशी कहाँ है? प्लीज मेरी यशी को मुझसे मिलवा दो, प्लीज प्लीज। तुम्हारा इन लोगों से क्या संबंध है? बताओ यशि, बताओ तुम कौन हो? यशि तुम्हारा इनसे क्या संबंध है? अच्छी तरह से सांस लो और छोड़ो। क्या परेशानी है? कल से सर बहुत ज्यादा दुख रहा है और सर फटने जैसा लग रहा है। अच्छा, सर में दर्द है? वैसे मुझे बुखार है। बुखार भी है क्या? बस ऐसे ही बुखार है। ऐसे ही है या वायरल है ये सब मैं बताऊंगी, आप नहीं बताएंगी। ओह, खांसी भी है क्या? बांस आती है क्या? जीके का बांस? हेलो, मैं स्मेल की बात कर रही हूँ। बिल्कुल पता नहीं। सर दर्द, बुखार और खांसी, तब तो कंफर्म कोरोना है। कोरोना हुआ है क्या? हाँ, पर आप सब कौन है? कोरोना पेशेंट को लेकर जाने से 10% कमीशन देने की बात की थी, इसीलिए आए हैं। अरे आप भी ना, हम सब एक ही फैमिली से हैं। ओह, जॉइंट फैमिली है क्या? नहीं, गोरिल्ला की फैमिली है। वाह, क्या मजाक कर लेते हैं आप। ए, तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते क्या? तुम सिंगल हो तो हम कहाँ भीड़ भाड़ में रहते हैं। डॉक्टर, हम सब जॉइंट फैमिली के सदस्य हैं। एक ही बर्तन में खाएंगे और एक ही बेड पे सोएंगे। तब तो सबको कोरोना हो जाएगा। अरे डॉक्टर, ये आप क्या बोल रही हैं? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल सही वक्त पर यहाँ आए हैं। अभी हमारे हॉस्पिटल में ऑफर चल रहा है। और ये ऑफर है क्या? नहीं, कोरोना ऑफर। अरे बाप रे, लगता है आप गेट पर कोरोना का बोर्ड लगाए बिना नहीं जाओगी। आप बोलना क्या चाह रही हैं ये बताइए। आप जैसे कोरोना पेशेंट के लिए एक चिल्ड एसी रूम होगा, एक खूबसूरत सी नर्स होगी और 24 घंटे वाईफाई कनेक्शन। और इतना ही नहीं, वेज चाहिए तो हांडी पनीर, नॉन वेज चाहिए तो मटन करी। मर जाएंगे तो आप कब्रिस्तान भी नहीं देंगी, प्लास्टिक पेपर में लपेट कर दफना कर चली जाओगी। ज्यादा बातें मत कीजिए, ऑफर खत्म होने में 5 मिनट बाकी है, जाकर बिल भरिए। कोई और भी बचाए क्या? मेरे दादाजी। कहाँ है वो? हाँ, वो भगवान के पास है। वाह, आपकी टाइमिंग कितनी अच्छी है। टेक ओके। ओके। कितनी बार ये सब लेती रहती हो, अभी भी यही बोल रही हो। माँ, दीदी बहुत अलग तरीके से टिकटॉक पर ट्रेंड कर रही है। बेकार के वीडियो बनाकर ऑनलाइन अपलोड कर रही हो, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो? मेरे होते हुए कैसे होगी? अच्छा बाबा, मेरा टाइम हो गया है और मुझे हॉस्पिटल जाना है। माँ, दीदी कॉलेज की फीस भरनी है। माँ के पास एटीएम का कार्ड दे रही हूँ, ले लो। चिंता मत करो, मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो सब लौटा दूंगी। पहले तुम डॉक्टर बनो, इतना बहुत है मेरे लिए। टाइम हो गया है, जल्दी जाओ। बाय। हेलो दीदी, कहाँ हो तुम? काफी देर से फोन कर रही हूँ, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा। मैं घर पहुँच गई हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ, ठीक है? अरे रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। आसपास देखो, कोई मैकेनिक शॉप नहीं है क्या? अरे लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर एक भी दुकान खुला नहीं है। ठीक है, ओके, मैं आती हूँ, तुम लोकेशन भेजो। अरे तुम मत आना, मैं देखती हूँ कोई हेल्प मिलता है कि नहीं, ठीक है? पंचर ठीक करवा सकती हो क्या? देखो, नहीं तो गाड़ी को वहीं पर छोड़कर आ जाओ, यहाँ पर सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके आ जाओ। ओके ठीक है आशी, मैं देखती हूँ, तुम्हें कॉल करती हूँ। ओके ओके, केयरफुल। हाँ ओके, आई विल कॉल यू, बाय। हाँ
ए सुनना, इधर देखना, क्या बोलते हो? डांस तो मस्त कर रही है ये। डांस अच्छा है ना? हाँ, वीडियो में देखते ही दिल को छू लेती है। अगर ये सामने आ जाए तो कौन किस्मत वाला होगा। एक सिगरेट लाना मेरे लिए। थोड़ी देर के लिए वीडियो तक ठीक से नहीं देखने देते। आता हूँ, इस डोरबेल को तो उखाड़ के फेंक दूंगा। सर, स्कूटी पंक्चर हो गई है, थोड़ी मदद कर सकते हैं? हेलो, गाड़ी पंचर हो गई है, बगल में कोई मैकेनिक शॉप नहीं है, थोड़ी मदद करो ना। पंचर हो गई क्या? हाँ, तो हमारा एक दोस्त मैकेनिक है, फोन करते ही तुरंत आ जाएगा। थोड़ा जल्दी आने के लिए बोल सकते हो क्या? मुझे रिसेप्शन जाना है। हाँ बोल दो, तब तक आप अंदर आइए ना। कोई बात नहीं, मैं यहीं खड़ी हूँ, आप जरा फोन कीजिए। हेलो आनंद, मेरे एक दोस्त की गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है, तुम जरा आकर ठीक कर दो ना। क्या, आधा घंटा लगेगा? अरे जल्दी आ जाओ भाई। ओके, उसने कहा आधा घंटा लगेगा, तब तक क्या बाहर खड़ी रहेंगी, अंदर आइए ना। नो थैंक्स, मैं यहीं पर वेट करती हूँ। ओ मैडम, हमें कोरोना वरोना नहीं है, अंदर आ सकती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको क्यों डिस्टर्ब करना है? आप जैसी सुंदर लड़की अगर घर पे आएगी तो डिस्टर्ब थोड़ी होंगे। कोई बात नहीं, आइए मैडम। अरे आइए ना, आइए प्लीज। अरे ये कौन है? कौन है? वो क्या है, गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया है, इसलिए आनंद को बुलाया है, पर उसे आने में आधा घंटा लग जाएगा। हाय, बाय द वे, आई एम अशोक। यशवंत। प्रियंका, वेटरनरी डॉक्टर हूँ, मेरा क्लिनिक यहीं पर है। फर्स्ट टाइम आप घर पे आई हैं। मैकेनिक के आने तक व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? टी, कॉफी? नो थैंक्स। अरे कोल्ड ड्रिंक तो पी सकती हैं। कोई बात नहीं। क्या मैडम, हम कोल्ड ड्रिंक में बेहोशी की दवा थोड़ी डालकर देने वाले हैं। अरे बाप रे, मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ। ए, जाकर लेके आओ। आपका क्लिनिक यहीं बगल में है क्या? हाँ, इसी मेन रोड पर। ये आपके लिए। All yours. गलत काम कर दिया यार, कितना बड़ा पागलपन, ये हमने नशे में क्या कर दिया यार, अगर गांव वालों को पता चला तो हमारा क्या होगा? ए, मेरे पापा एमएलए हैं, वो सब संभाल लेंगे। मीडिया को पता चल गया ना तो तुम्हारे पिताजी क्या भगवान तक नहीं बचा पाएंगे, समझे? निर्भया केस याद है ना? अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम, एविडेंस नहीं रहना चाहिए, ये कह रहा हूँ। जीवा, ये क्या बोल रहे हो तुम?
अरे उसके पैर में गिर के माफी मांग लेते हैं यार। अरे उससे बोल देंगे यार कि नशे में गलती हो गई। यार यशवंत समझा रहा, वो बेचारी लड़की है। तुम अगर उस पर दया दिखाई तो जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा। ए, 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 तू शांत हो जा, शांत हो जा यार प्लीज। नशे में तू कुछ भी बोल रहा है, हमने पहले ही उसके साथ बहुत गलत किया है और अब उसे मारना चाह रहे हो तुम लोग। क्यों ऐसा करना चाह रहे हो? प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। यहाँ जो भी हुआ है मैं बाहर किसी को नहीं बताऊंगी। मेरे भरोसे पूरी फैमिली है। अच्छा तो पूरी फैमिली है, अब तो नहीं छोड़ सकते। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैं कसम खा के कहती हूँ। मैं सच बोल रही हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, मुझे छोड़ दो। मैं नहीं रही तो मेरी फैमिली का क्या होगा? अपना मुंह बंद कर। नहीं नहीं मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। प्लीज मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्लीज नहीं, प्लीज नहीं। दीदी, वो सिर्फ मेरी दीदी नहीं, मेरी माँ भी थी, मेरे पूरे परिवार की खुशी थी वो। उसे मार कर मेरे परिवार को मार दिया तुमने। तुम में से किसी को भी मैं छोड़ूंगी नहीं। नहीं यशी, यार जो कुछ भी हो उसकी वजह मैं ही हूँ। मेरे फ्रेंड यशवंत को भी तुमने मारा? नहीं, नहीं, नहीं। I will kill you. तुम में से किसी को भी मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सिर्फ उसे ही नहीं, अब मैं तुझे भी मारने वाली हूँ। यशी, प्लीज मेरी बात सुनो यशी। तुम्हारी दीदी को मैंने नहीं मारा, उस कत्ल से मेरा कोई संबंध नहीं है यशी, मैं सच कह रहा हूँ। अरे कोई संबंध नहीं है, तुम लोगों ने मिलकर उसे तड़पा तड़पा के मारा था, मेरी बेटी को मार डाला। मैंने जिस कोक से उसे पैदा किया वो कोक जल रही है, हम तुझे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। सुनिए, मैं मानता हूँ कि उसके साथ गलत हुआ है, लेकिन मैंने उसका कत्ल नहीं किया है माँ जी। आपकी आपकी बेटी को बचाने की मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन लोगों ने उसे मार दिया। हम सबकी देख रेख करने वाली वही थी, उसी को मार दिया तुम लोगों ने, अब खुद पर भरोसा करने के लिए बोल रहे हो। दीदी तुम्हें मारे उससे पहले हम ही तुम्हें मार देते, पर तुम्हें आसान मौत नहीं देनी थी। मेरी बेटी का खोने का जो दर्द है ना, वो बोलने से पता नहीं चलेगा, उसे महसूस करना पड़ेगा और मैं तुम्हें महसूस कराऊंगा। अरे
वो सिर्फ एक इंसान नहीं थी, कुत्ता बिल्ली जैसे जानवरों से प्यार जताने वाली इंसान थी वो। और तुम तीन जानवरों ने मिलकर उसे मार दिया। तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा मैं, तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। अंकल, बिना आंटी के जिमी और टोनी खाना नहीं खा रहे हैं। आंटी कब आएगी? अगर मैंने गलत किया है तो मुझे सजा देने के लिए कोर्ट है। आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? मुझे पुलिस के हवाले कर दीजिए। क्या कहा? कोर्ट और पुलिस? एक एमएलए का बेटा है, एक एसीपी का बेटा है और एक गुंडे का बेटा है। तुम्हारी कंप्लेंट करने जाएंगे तो एक्शन तो क्या, केस लिखा भी नहीं जाएगा। यशी, जो कुछ भी हुआ उसे सोच के मेरा सर फटा जा रहा है। यशी, मैं अंदर से मर रहा हूँ। यशी, मैंने कोई गलती नहीं की है, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। यशी, तुम्हें जिंदा छोड़ने के लिए यहाँ नहीं लेकर आए हैं, पल पल तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारने के लिए लेकर आए हैं, और वो देखने के बाद ही हमें खुशी मिलेगी। यशी, यशी, प्लीज मुझे माफ कर दो। यशी प्लीज, मैं तो खुद ही एक जिंदा लाश हूँ। यहाँ जो हुआ मैं बाहर किसी को नहीं बताऊंगी, मेरे भरोसे मेरी पूरी फैमिली है, प्लीज मुझे छोड़ दो। यही बात मेरी दीदी ने कही थी ना, तुमने छोड़ा क्या? तड़पा तड़पा कर उसकी इज्जत लूट कर उसे मार डाला। बिना हथियार के बिना खून निकाले सिर्फ तुम लोग ही मार सकते हो, हम भी मार सकते हैं। तो फिर तुम्हारा फैसला? मेरा फैसला? I'll kill you. मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो यशी। माफ करना मतलब अगली गलती करने का मौका देना। मैं यहाँ तुम्हें मौका देने नहीं आई, सजा देने के लिए आई हूँ। This is end of the story. खून की जो सजा होती है उसके लिए माफी नहीं, मौत होती है। I'll kill you. Yes. मैं तुम सबको मार डालूंगी। वाओ, बढ़िया है ना ये गेस्ट हाउस। जगह अच्छी है ना, चलो ऊपर बेडरूम में चलते हैं। कहाँ? अरे डेट पर आए हैं, बेडरूम में नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? अरे इतनी भी क्या जल्दी है, पहले आपस में बातें करते हैं, दोस्ती निभाते हैं। क्या बात करनी है? देखेंगे। दोस्ती निभानी है क्या? अरे सुबह से तुमने किस तक नहीं दी है, एक लिप लॉक प्लीज 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 प्लीज। अच्छा ठीक है। तेरी की नॉनसेंस। एक मिनट आया मेरी जान, वेट। आई किल यू। हवलदार साहब, इंस्पेक्टर साहब हैं क्या?
इंस्पेक्टर से ही बात करोगे? नहीं, वो बहुत खास बात है, इसलिए मैं इंस्पेक्टर साहब के बारे में पूछ रहा था। इंस्पेक्टर साहब, अगर कोई केस हो तो मुझे सौंपते हैं, क्या बात है बोलो। अरे सीएम के घर फंक्शन है, सब लोग वहाँ गए हैं, देख रहे हो ना, स्टेशन पूरा खाली पड़ा है, बोलो। सर पिछले हफ्ते 20 गेस्ट हाउस में दो लोगों ने खुदकुशी की थी, उस गेस्ट हाउस का वॉचमैन हूँ सर मैं। उसकी कंप्लेंट लिखानी है? सर वो खुदकुशी नहीं थी सर, वो खून था। हाँ? तुम ये सब कैसे बोल सकते हो? सर कोरोना की वजह से तकरीबन 10 महीने से गेस्ट हाउस बंद था, हफ्ते में एक बार गेस्ट हाउस क्लीन करने के लिए मैं वहाँ जाता था। जब एक दिन मैं वहाँ गया तब मैंने देखा कि एक पूरा परिवार मिलकर एक अशोक नाम के आदमी का खून कर रहा था सर। दूसरे दिन गेस्ट हाउस में एक और आदमी का मर्डर हुआ सर। वो लोग कौन है तुम जानते हो? जानता हूँ ना सर, ये देखिए सर। अच्छा तुमने इन्हें देखा है? हाँ सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है सर। रखो, लो पढ़ो। सर मैं खून की बात कर रहा हूँ सर, और आप मुझे पेपर पढ़ने को बोल रहे हैं? पेपर पढ़ो। सर ये क्या है सर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ए, जिनके बारे में कंप्लेंट देने आए हो ना, उनको मरे हुए 6 महीने हो चुके हैं, और तुम बोल रहे हो कि जिन्होंने खून किया है वो लोग किए हैं, मुझे बेवकूफ समझते हो? अरे जो मर चुका है वो आकर खून कैसे कर सकता है? ए, क्या हुआ? अरे रुक जाओ, सुनो, रुको, अरे मेरी बात तो सुनो। अरे ये बहरा है क्या? आवाज दे रहा हूँ, ये आगे चलता जा रहा है। ए, सुनो सुनो, रुको।